आपके चैताली में जो भगवान विराजमान है और यक्षक्ष आदि विराजमान है, सबके दर्शन हो सके। सभी लोग अपने अपने घर से पूजा की थाली तैयार करके बैठ जावे और सभी लोग एक साथ में हाथ जोड़कर जयकारा करेंगे। बोलिए देवाधि देवी का दर्श आदिनाथ भगवान की जय, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय, तीन कम नव करोड़ महामुनि राज की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, परम पूज्य गुरुवर आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय, अनेकांत मई जैन धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं, सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं, प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, पूजारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अपने दोनों हाथों को प्रक्षालित कर लें सब लोग। ओम असुजर सुजर स्वाहा, हस्त प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर के अपने शरीर की शुद्धि कर लीजिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी, अमृतम श्रावय श्रावय सम सम, क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय सम, हम जम जिम छीं हम स स्वाहा। ओम राम रीं रूं रोम रस्य सम सर्वांग, वस्त्र शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, वस्त्र शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, द्रव्य शुद्धि पात्र शुद्धिं च कुरु कुरु स्वाहा। आज सभी लोगों के रविवार का व्रत होगा और इस रविव्रत के पावन अवसर पर हम सभी जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करेंगे और विशेष करके आज भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे। मंगलाष्टक के साथ हम जिनेन्द्र भगवान की अर्चना प्रारंभ करते हैं। आप सभी को मंगल शब्द का अर्थ तो अच्छी तरह से याद है ही। मंगल शब्द के दो अर्थ हैं। मंगल शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक संधि विच्छेद होता है मम प्लस गल। मम का मतलब होता है पाप और गल यानी गलाना। जो पापों को गलाने वाला है यानी भगवान की अर्चना पूजा भक्ति या तीन प्रकार के जो मंगल बताए शास्त्रों में, सचित मंगल, अचित मंगल और मिश्र मंगल, तो हमारे वहाँ आचार्य धर्मसेन स्वामी ने जिन दो शिष्यों को जैनागम के पारंगत किया था, ऐसे पुष्पदंत और भूतबली भगवान, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की, धवला आदि ग्रंथों की, उसमें मंगलाचरण में ब्रह्मकार मंत्र बोलते हुए उन्होंने मंगल शब्द का बहुत सुंदर अर्थ किया है और उन्होंने बताया कि ये तीन प्रकार के मंगल हमारे सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं और सभी प्रकार के मंगल जो है वो हमारे सुख को लाने वाले हैं, हमें सुख देने वाले हैं। तो ऐसे इस मंगल शब्द का अर्थ समझते हुए हम मंगलाष्टक प्रारंभ करेंगे। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासन उन्नति करा पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, पंचेते परमेष्टिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेन्दव प्रवचना बोधिन्दव स्थायिन, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधव, स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरुव कुर्वन्तु नो मंगलम्। सम्यक दर्शन बोध व्रतम अमलम रत्नत्रयम् पावनम्, मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिन पत्युक्तोपवर्ग प्रद, धर्म सुक्ति सुधा चेत्यमखिलम् चेत्यालयम् श्रालयम्, प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममिं कुर्वन्तु नो मंगलम्। नाभेयादिजिनाधिपास त्रिभुवन क्षाताश्चतुर्विंशति, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति, स्त्रैकाल्ये प्रसिताम् त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नो मंगलम्।
देव्योष्टौच जयादिका द्विगुणिता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षास्ति यक्षस्तथा द्वात्रिंशत् त्रिदशाधिपा सुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चेत्यमीसुरगणा कुर्वन्तु नो मंगलम्। ये सर्वौषधरित्तय सुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टा विदश्चारणा पंच ज्ञानधरयास्त्रयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तेति सकलार्चिता गणभृता कुर्वन्तु नो मंगलम्। कैलाशे वृषभस्य निवृतिमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मीदशीलीरतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनय प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मंगलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरोकुलाद्रुस्तथा जम्बूशाल्मलिचेत्य शाखचतुता वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरोचकुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैलेये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितस्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु नो मंगलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रद कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्थिरशङ्कराणामुष ये श्रण्वन्ति पठन्ति तस्सुजिने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रेते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि। अब अपन जिनेन्द्र भगवान की रचना प्रारंभ करेंगे। मंगलाष्टक हम सब ने कर ही लिया है और सभी बच्चे सुबह जल्दी उठ करके स्नान से आदि से निवृत्त होकर के यहाँ आए हैं। आइए सभी बच्चे एक साथ में भगवान की अर्चना के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, अपन सकलीकरण की विधि करेंगे, संध्या वंदन करेंगे। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि भगवान की अर्चना पूजा हमें शुद्धता पूर्वक करनी है। तीन प्रकार की शुद्धि जो आगम में बताई है, आपको याद है अच्छे से? एक लिख लिए नीचे, अभी ये कुछ जो चीजें अभी आपको आपको बताएंगे वो सारे प्रश्नोत्तर भी होंगे रात्रि के समय में, तो आप लोगों को जो याद रहे उसको याद कर लीजिए और जो याद नहीं रहे उसको नोट करते जाइए, ताकि शाम के समय जो यहाँ पर आज प्रश्नोत्तर होगा उसमें आप लोग अच्छी तरह से जवाब दे सकें और ये सारी चीजें आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि तीन प्रकार की शुद्धि हमारे शास्त्र में बताई है, एक स्नान शुद्धि, दूसरी मंत्र शुद्धि और तीसरी व्रत शुद्धि। स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप शुद्ध वस्त्र पहन करके आए हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, अष्टद्रव्य की थाली सजा करके सब लोग यहाँ लेकर के आए हैं। आप लोगों ने सबने अपनी अपनी थाली में सुंदर सुंदर द्रव्य रखे हैं, शीतल ठंडा जल है, चंदन केसर घिस करके कपूर मिला करके आप लेकर के आए हैं कटोरी में भगवान को चरणों में चर्चन करने के सचित करने के लिए, और अच्छे बासमती आदि सुंदर चावल अक्षत लेकर के आए हैं जिसके टुकड़े नहीं हुए हैं, ऐसे अक्षत आप लेकर के आए हैं। उसके बाद आप अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आए हैं, कोई कमल के फूल लेकर के आए हैं, कोई केवड़ा के, कोई मालती के, ऐसे सुंदर गुलाब आदि के सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प आप लोग लेकर के आए ही हैं, और अच्छे अच्छे नैवेद्य आप बना के लाए होंगे। किसी ने पेड़ा बनाया है, किसी ने गुलाब जामुन, बर्फी है ना, पूरन पूरी, खीर आदि अनेक प्रकार के, और उसी प्रकार से पकौड़ी वगैरह भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं वे सारे नैवेद्य के रूप में भगवान के चरणों में हम अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसे नैवेद्य भी आप लोग लेकर के आए ही हैं, आपने एक दीपक लेकर के आए हैं, नहीं तो कपूर के भी ज्योति आप लोग बना सकते हैं, कपूर भी लेकर के आए हैं और दीपक भी रखा है आपने थाली में। सबकी थाली में धूप भी है, धूपान्ना भी है, उस धूपान्ने के अंदर कोयला जला के रखा हुआ है या कपूर जला करके भी उसमें आप धूप खेंगे, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर
फल जो है आप लोग लेकर के आए हैं, केला, चिक्कू, अनार, उसी प्रकार से सेब फल है, आम है, अमरूद है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर निवेद्य आप लोग अपने अपनी थाली में लेकर के आए हैं। तो और इस प्रकार से सबको मिलाने से जो अर्घ बनाया है, तो ये सारे के सारे द्रव्य भगवान के श्री चरणों में हम अर्पित करेंगे भक्ति से। अब पहले सबसे पहले अपन संध्या वंदन करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। पूर्वान्न समय पावन जल से निज हाथ पैर मुख धो करके, वर्णोत्तम श्रावक पूर्व दिशा में मुख कर बैठे आसन से। गुरुवर से कहे मंत्र से नित संध्या वंदन जो करते हैं, वे धर्म ध्यान में रत मानव नित स्वस्थ सुखी ही रहते हैं। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणो मते अत्र स्थाने अहम्। अपना अपना नाम ले लीजिए कि मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ, जो भी नाम आपका है उच्चारण कीजिए। मैं संध्या वंद्यम प्रत संध्याम करिष्ये। अपने वस्त्रों को हाथ लगाइए, सुंदर वस्त्र आपने धारण किए हैं, धोती दुपट्टा आदि। ओम रीम श्वेत वर्णे सर्व ब्रह्मारिणी सर्व जन मनोरंजनी परिधानोत्तरी धारिणी हम हम जम जम सम सम तम तम पम पम परिधानोत्तरी धारिणी हम हम सम सम परिधानोत्तरी धारयामि स्वाहा। अपना जहाँ आप बैठे हैं उसके आसपास की जगह को शुद्ध करने के लिए मंत्र से शुद्धि करेंगे। ओम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थकराय श्री शांतिनाथाय पवन पवित्रेभ्यो शुद्धिभ्यो नमः। भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। अब आपको आसन बिछाना है, आसन के ऊपर हाथ रखिए। ओम रीमरम क्षम ठम आसनम निक्षिपामि स्वाहा। दोनों घुटनों पर अपने हाथ रखेंगे। हाँ, अपन बैठ रहे हैं आसन लगा करके। ओम रीम अरहम योम योमनी सिहि आसने उपविशामि स्वाहा। ओम मम समस्त पाप क्षयार्थम आयुरारोग्येश्वरी अभिवृद्ध्यर्थम पौर्वाणिक संध्या चरणम करिष्ये। जटान्तो बिंदु संयुक्तो कलावंपम सुवेशितो सोम मध्य लिखित्वाम्भो मध्ये स्नानादिकं चरेत्। अब देखिए, आपको थाली के अंदर स्वस्तिक बनाना है। आपके बीच में ये देखिए, थाली के अंदर सबसे पहले ऊपर एक रेखा ऊपर ड्रॉ कीजिए और एक लाइन जो है ऐसे आड़ी कीजिए, जैसे आप प्लस लिखते हैं ना, और प्लस लिख करके यहाँ पहले नीचे भुजा ली जाइए, फिर राइट हैंड की तरफ ली जाइए, फिर ऊपर ली जाइए, फिर लेफ्ट में ली जाइए, इस तरह से चार भुजाएं। तो चार और चार आठ भुजाएं हो गई। ठीक है, और उसके बाद में आपको उसमें स्वस्तिक के नीचे लिखना है तीन, और क्या बोलेंगे, रैना तयम चवंदे। नीचे तीन लिखिए थाली में, नीचे स्वस्तिक के नीचे तीन लिखिए, तीन। आइए, रोज पूजा करते समय सबसे पहले इस तरह से थाली में स्वस्तिक आदि बनाना है आपको। ये प्रतिदिन करने की विधि है। शाम को पूछेंगे भी आपको ये प्रश्न, किस तरह से थाली अपनी सजाई जाती है, थाली में किस तरह से क्या क्या अंक लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले स्वस्तिक के नीचे क्या लिखना है, तीन, और लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है 24, ऊपर लिखना है 5, और राइट हैंड की तरफ लिखना है 2। हाँ, और एक श्लोक बोलना है, रयणत्तयम च वंदे 24 तीर्थया वंदे पंच गुरुणाम च वंदे चारण चरणम सदा वंदे। इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। किन किन को नमस्कार कर रहा हूँ, रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें रत्नत्रय कहा जाता है। तो ऐसे रत्नत्रय की जो आराधना करता है, रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं उस सम्यक दर्शन को धारण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी आराधना करता हूँ, इनको अपने जीवन में धारण करता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ में बने रहे और इनके कारण इनसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होए, ऐसे रत्नत्रय को मैं नमस्कार करता हूँ। और किसको नमस्कार करना है, 24 तीर्थंकर भगवान को, आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए। फिर किसको नमस्कार करना है, पंच परमेष्ठी भगवान को, ऊपर 5 लिखना है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना है। और चारण रिधिधारी मुनिराज जो है उनके युगल चरणों को, उसमें चारण रिधिधारी मुनिराज में सारे मुनिराज आ गए, जितने भी मुनिराज हैं जगत के, नमो लोए सब साहुणम,
ऐसे सभी साधुओं की पावन चरणों नमस्त करते हुए उनके दोनों चरणों को नमस्कार करना है, दोनों चरणों को स्पर्श करते अपने मस्तक पर लगाना है, उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करना है। तो वहां पर आप लिखेंगे दो, इस तरह से अपनी थाली बना लीजिए और उस थाली के अंदर आपको द्रव्य चढ़ाना है। एक दूसरी प्लेट आप जो आपके पास प्लेट होगी उस प्लेट के अंदर छोटी प्लेट जिससे आप द्रव्य चढ़ाने वाले हैं, उस प्लेट कह लो सोने की चांदी की जो भी प्लेट आपके घर में है, और उस प्लेट के अंदर आपको क्या बनाना है, अर्धचंद्र बनाना है। मून देखा ना आपने, आधा मून बनाना है, अर्धचंद्र जिसको कहते हैं, इस तरह से आधा चंद्रमा बना लीजिए। और आधा चंद्रमा बना करके उसके अंदर आपको लिखना है झम ठम। आप लोग मराठी हिंदी सब जानते ही है, झंडे का झ, ठठेरे का ठ, ये देखिए यहाँ पर झम ठम, इस तरह से बनाना है, ठीक है। और उसके ऊपर लिखना है वम पम, ऊपर क्या लिखना है वम पम। और अगर ज्यादा समय हो तो अपने राइट हैंड से शुरू करना, अ आ, आ, आ ई ई उ उ रीर रीर लीर ली ए आई ओ औ अम अह, ये स्वर है वो भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए पूरा। इसको कहते हैं जल यंत्र, ये जल यंत्र आपने बना लीजिए, आप बना लीजिए। अरे अगर पूरा नहीं लिख सके तो खाली अर्धचंद्र बना के उसमें झम ठम और ऊपर वम पम इतना लिख लीजिए, अपने अपने प्लेट में बनाइए सब लोग, है ना। और अब इस जल यंत्र के द्वारा इसमें अपन जल धारा करेंगे, तो ये जल जो है अपन जो सामान्य जल है अपना, वो गंगा सिंधु आदि पवित्र नदियों का या क्षीर सागर आदि पवित्र समुद्रों का जल बन जाएगा। मंत्रित करना है इस जल को, तो आप उस प्लेट के अंदर जल धारा कीजिए, जल लीजिए। और मां मंत्र में बोल रहा हूँ, ओम राम रीम रूम रोम रह असि अवसा इदम समस्त तीर्थ नदी जलम भवतु स्वाहा। अब ये जल जो है ये जल है ना, थोड़ा तो आप कलश में वापस डाल दीजिए, थोड़ा प्लेट में रहने दीजिए और इस प्रकार की मुद्रा बनाइए। देखो आप मुद्रा इस तरह की है ना, और बना करके क्या करना है आपको, उस जल के अंदर दोनों उंगलियों को डुबाना है और जल में डुबा करके अपने मस्तक पर इससे छोड़ना है, ऐसे ही दोनों साइड में भी छोड़ना है इस तरह से। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर, ठीक है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम रीम लाम पम व प क्षीम क्षीम स्वाहा, और थोड़ा सा अपने मुख में भी डाल दीजिए, मुख शुद्धि होगी ऐसे। ओम रीम लाम पम व क्षीम क्षीम स्वाहा। अभी तीन फिंगर लीजिए इस तरह की, ये लीजिए, हाँ ऐसा बनाइए मुद्रा सब लोग। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया बना रहे हैं आप लोग, इस तरह से बनाइए और ऐसे दोनों गाल पे लगाइए मुख पे, है ना, ये मुख शुद्धि होगी। ओम रीम झ्वीम, ओम रीम झ्वीम, ओम रीम झ्वीम, ठीक है, ये हो गया। उसके पश्चात आप क्या करना है, ये अनामिका अंगुली है, इसको अनामिका अंगुली कहते हैं, ये दूसरे नंबर की जो अंगुली है उसको अनामिका कहते हैं, इसको अंगूठा कहते हैं, ये थंब है, ये दोनों को मिला लीजिए और मिला करके उस जल में डुबालना इस तरह से। प्लेट में जो पानी है ना आपने जल रखा है ना, उसके अंदर इसके डुबाइए और डुबा करके दोनों नेत्रों का स्पर्श करना, आंखें दोनों आंखों पर, वम मम वम मम वम मम। उसके बाद में बड़ी वाली फिंगर ये उसको लीजिए, जल में डुबाइए और दोनों नाक का स्पर्श कीजिए, हम सम हम सम हम सम। फिर छोटी वाली अंगुली लीजिए लास्ट और उसको जल में डुबा करके दोनों कान का स्पर्श कीजिए, तम पम तम पम। अब अंगूठा लीजिए थम, उसको जल में डुबाइए ऐसे पानी में है, और फिर नाभि पे लगाइए द्राम। फिर ये हथेली को हृदय पे लगाइए द्रीम, ठीक है। और इस अब आगे जो है इसे पांचों उंगली उसमें जल में डुबाइए और भुजा पे, दाहिनी भुजा फिर बाई भुजा और फिर मस्तक पे इस तरह से ले जाइए, हम स स्वाहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, इसको कहते हैं अपने शरीर के 12 अंगों का स्पर्श किया है, इति द्वादश अंग स्पर्शनम करोमि स्वाहा। अब प्राणायाम आपको बताया था, रोज इस यहाँ से इस अंग नाक को दबा दीजिए, देखिए यहाँ देखते जाइए बेटा, रोज करना है। हाँ आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हमारे धर्म में योगा का बहुत अच्छा रूप बताया है, नमोकार मंत्र बोलते हुए हम किस तरह से योगा कर सकते हैं। तो ये नाक को बंद कर लीजिए और ये लेफ्ट हैंड की नाक से श्वास को अंदर लीजिए,
है ना, अंदर ले जाकर के नाभि तक ले जाना है और वहां दबाना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर इसी नाक दूसरे नाक से छोड़ना है। तो नमो अरिहंताणम बोलिए, नमो अरिहंताणम, श्वास को अंदर ले गए, नमो सिद्धाणम करते हुए श्वास को बाहर निकाला, नमो आयिर्याणम बोलते हुए श्वास को अंदर ले गए, नमो वज्जानम करते हुए दूसरे नाक से निकाला, जहां से सांस को छोड़ा है वहीं से नमो लोये बोलते हुए श्वास को अंदर लेना है और सर्व सावण बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना। इस तरह से एक बार नमोकार मंत्र में कितने बार, एक बार तीन श्वासोश्वास है ना, तो नौ बार नमोकार मंत्र करेंगे तो 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। रोज प्रातः काल उठ करके नमोकार इस तरह से बोलना, नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारी मेघा पावर, हमारी जो स्मरण शक्ति है, याद शक्ति है, इससे बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप नमोकार मंत्र बोल लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये इस तरह की मुद्रा बनाइए, उसमें बीच में जो जगह है ना वहां पर आप लोग थोड़ा पानी लेकर के चारों तरफ छोड़िए। ओम जम वम वपः स्वाहा, ओम रीम रमस्य उषा नमः स्वाहा। अब फिर वही मुद्रा बनाइए और उसमें जो कलश आपने लिया था है ना, उस कलश से 15 टाइम्स तो एक एक ड्रॉप डालना है आपको इस तरह से और छोड़ते जाना। इसको कहते हैं तर्पण विधि। क्या कहते हैं? तर्पण विधि। ये सारी विधि पूजा करने के पहले की जाती है ना, और उसके पश्चात भगवान की पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान का अभिषेक उत्तर पूर्वक ही भगवान की पूजा होती है, तो उसके बाद में पश्चात भगवान का अभिषेक किया जाता है। तब तर्पण विधि करेंगे। ओम रीम हरिभ्य स्वाहा, स्वाहा बोलते जाइए सब लोग। ओम रीम सिद्धेभ्य स्वाहा, ओम रूम सूर्यभ्य स्वाहा, ओम रोम पाठकेभ्य स्वाहा, ओम रह सर्व साधुभ्य स्वाहा, ओम रीम जिन धर्मे, ओम रीम जिन धर्मेभ्य स्वाहा, ओम रीम जिनागमेभ्य स्वाहा, ओम रीम जिन चेतेभ्य स्वाहा, ओम रीम जिन चेत्यालेभ्य स्वाहा, ओम रीम सम्यक दर्शनेभ्य स्वाहा, ओम रीम सम्यक ज्ञानेभ्य स्वाहा, ओम रीम सम्यक चारित्रेभ्य स्वाहा, ओम रीम सम्यक तपोभ्य स्वाहा, ओम रीम अस्मद् गुरुभ्य स्वाहा, ओम रीम अस्मद् विद्या गुरुभ्य स्वाहा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो वज्जानम, नमो लोये सर्व साहुणम। अब सबको तिलक लगाना है। तिलक जो भगवान के चरणों में अपन पहले दिन केसर चढ़ाते हैं, वही केसर निकाल करके ऐसे अंगुली के अंदर इस तरह से घोल लेना और घोल करके उसको तिलक लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है? सबसे पहले ललाट पे लगाना है। ओम राम रीम रूम रो नमो अरहंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाटे, ओम राम रीम रूम रो नमो सिद्धाणम रक्ष रक्ष स्वाहा हृदय, हृदय पे लगाइए। ओम राम रीम रूम नमो आयिर्याम रक्ष रक्ष स्वाहा दाहिनी भुजा कलाई पे लगाइए। ओम राम रीम रूम नमो उज्जैन रक्ष रक्ष स्वाहा बाई भुजा कलाई पे लगाइए। और लास्ट में ओम राम रीम रूम रोम र नमो लोये सर्व साहुणम रक्ष रक्ष स्वाहा कंठे पीठे, कंठ पे पीठ पे लगाइए। इस तरह से नव अंगों पर हमने ये लगाया। अब हाथ जोड़िए फिर से एक बार। अब देखो अपन पूजा करेंगे, तब तक अपने इधर उधर की कोई बातें नहीं करना है। हाँ, कोई सामग्री के बारे में कुछ इधर अगर पूछना है तो पूछ लेना, कि संसार के कोई भी बातें नहीं करना, तो मौन व्रत लेना है अपने को। ओम रीम मौन सिताय स्वाहा, आपकी पूजा की जो सामग्री है उसको उसके ऊपर चल के थोड़े से चीटी डाल दीजिए। ओम राम रीम रूम रोम रम, ओम रीम अरहम रोम मम मम हम सम तम पम असी अवसा नमः समस्त तीर्थ जलेन द्रव्य शुद्धिम करोमि स्वाहा पात्र शुद्धिम करोमि स्वाहा भगवान नमस्ते शिवम देने वंदाम कुर्याम। और सभी जीवों से क्षमा याचना करते हुए अपने मन को पवित्र करते हुए पूजा करनी है, इसलिए बोलेंगे सभी सभी एक साथ बोलिए मेरे साथ में, खम्मामि सर्व जीवाणाम, बोलिए सव्वे जीवा खमंतु मे मेति मे सर्वभूतेषु वीरम मध्यम केनवि भगवान नमस्तु प्रसिद्धंतु प्रभुपादावंदीशेषोऽहं सर्वसावधियोगिरतोऽस्मि अथ जिनेन्द्र पूजा वंदनायां पूर्वाचार्याणां क्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भावपूजा वंदनास्तव सर्वर्षि चित्तभक्तिकाय उत्सर्गं करोमि हम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो विज्ञानं नमो लोये सर्वसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धमंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तोरुमो मंगलम। बोलिए आप लोग चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरं शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अब थोड़ी सी सरसों अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए
चारों दिशाओं में से, है ना, कहीं से भी कोई उपद्रव नहीं आवे, कोई तकलीफ नहीं होवे, हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आवे, हम सारे कार्य निर्विघ्नता से संपन्न कर सकें, है ना, और घर में कोई बाधा ही नहीं आवे। प्रतिदिन इस तरह से आग दिगंजलि करेंगे तो, दिग्वंदना करेंगे तो क्या होगा कि सभी प्रकार के कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं, बाहर से कोई बाधा आती नहीं है। तो क्या करना, सबसे पहले चारों दिशाओं की तरफ थोड़े थोड़े सरसों क्षेपण करना, सरसों नहीं हो तो पीले चावल ले लो, पहले पूर्व दिशा में, और मंत्र बोलना है आपको, ओम राम नमो हरिहंताणम राम, ये मंत्र याद कर लेना आप लोग, ओम राम नमो हरिहंताणम राम, पूर्व दिशा समागत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा, फिर दक्षिण दिशा में, ओम रीम नमो सिद्धाणम रीम, दक्षिण दिशा समागत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा, अब पश्चिम दिशा में, ओम रूम नमो आयरियान रूम, पश्चिम दिशा समागत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा, उत्तर दिशा में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओम रूम उत्तर, ओम रीम नमो उज्जैनम रूम, उत्तर दिशा समागत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब सारी दिशाओं में सब लोग अपने अपने वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, है ना, ताकि सब लोग दिखाई दे, बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मालूम पड़े, ऐसे सबने कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। अभी चारों दिशा में करना एक साथ में, ओम रह नमो लोये सव सावणम, सर्व दिशात समागत विघ्नान निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब ये जो सरसों है ना, उसको 7 बार मंत्रित करेंगे, पर कितनी बार, 7 times, और मंत्र बोलना है, ओम नमो अर्ति सर्व रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। क्या मंत्र बोलेंगे, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। अब सरसों ले लीजिए और उसमें जल इस तरह से एक एक बूंद, हाँ, इस तरह से डालते जाइए उसको मंत्रित करने के लिए, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। मेरे साथ में आप बोलते जाइए तो आपको याद भी हो जाएगा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा, ओम नमो अर्ति सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। अब इस तरह से इसमें लेकर के चारों दिशा में इसको क्षेपण करना है, मंत्र बोल करके बोलिए, ओम हूं फट किरीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सच खंडान कुरु कुरु पर विद्याम छिंद छिंदी पर मंत्रान बिंद बिंदी क्ष फट स्वाहा। बहुत सुंदर, इस तरह से सकलीकरण की विधि हुई। और अब जो है आपको आभूषण धारण करने है ना, सभी प्रकार के अच्छे अच्छे आभूषण अपने शरीर, मुकुट है, हार है, उसके बाद में दोनों हाथों में बाजूबंद है ना, या कानों में कुंडल पहने जाते हैं, तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे आभूषण आप लोग धारण कर लीजिए। ओम रीम मुकुट अवधारयामि स्वाहा। बहुत कुछ बच्चे यहाँ पर खुशी जो है बहुत अच्छा मुकुट पहना हुआ है, हाँ? क्या नाम है, खुशील नाम है, खुशी नाम है, हाँ। और किस किस के पास है मुकुट, मुकुट और कौन कौन लेकर के आए हैं, हाँ, सबको मुकुट पहन करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, हाँ, सब लोग अच्छे अच्छे मुकुट धारण कर लीजिए। ओम रीम मुकुट अवधारयामि स्वाहा, अच्छे हार पहन लीजिए। ओम रीम हार अवधारयामि स्वाहा, ओम रीम कुंडल अवधारयामि स्वाहा, दोनों कानों पे, अभी नहीं है तो अभी केसर लगा दो, है ना, ओम रीम सर्व आभूषण अवधारयामि स्वाहा। अब पुष्प लेना और भगवान की पूजा अभिषेक प्रारंभ करेंगे, हाथ जोड़िए पहले, श्रीमद् जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत त्रयेशम स्यादवादनायकम अनंत चतुष्टयार्हम श्री मूल संघ सुदृशां त्रिकृते हेतुर्जिनेन्द्र यज्ञ विजयेशमयाभ्यधायि। ओम रीम क्षीम्भु स्वाहा, स्नपन प्रस्तापनाय परिपुष्पांजलिं शिवेत। आप लोगों के घर में जिनवाणी की पुस्तक तो होगी, है ना, उसमें अभिषेक पाठ लिखा हुआ है, वो अभिषेक पाठ निकाल लीजिए, तो आप लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे तो आपको अभिषेक पाठ भी याद आ जाएगा, क्योंकि रोज अभी ये तो रोज करने की विधि है ना, तो रोज अपने को करना है, इसलिए आप लोग अभिषेक के लिए याद करने के लिए क्या करेंगे, पुस्तक में देखते जाइए और विधि करते जाइए, मेरे साथ बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। श्रीमन मंदर सुंदरे शिजले धोते सदर्भाक्षते पीठे मुक्ति वरम निधाय रचितम पत्पाद पद्मस्वज इंद्रोहम निजभूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दधे मुद्रा कंकण शेखरानि जन्माभिषेकोत्सवे। ओम रीम श्वेतवर्णे, अपने वस्त्रों को हाथ लगाना है। ओम रीम श्वेतवर्णे सर्वद्रवहारिणी सर्वजन मनोरंजनी परिधानत्रयं धारिणी हम हम जम जम सम सम तम तम पम पम परिधानत्रयं धारयामि स्वाहा। अब यज्ञोपवीत धारण करना है ना, यज्ञोपवीत है आप लोगों को, जैसे हमारे हमको जो है 8 वर्ष की उम्र में ही हमारे माता पिता हमको यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं। आप लोगों ने जिसने भी यज्ञोपवीत नहीं पहना हो वो गुरु के पास में जा करके इस तरह से यज्ञोपवीत 3 लटका मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को मैं धारण करता हूँ इसकी सूचना के लिए, ये हमारी निशानी है ना कि हमने रत्नत्रय धारण किया है।
हम मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे, रत्न भगवान की अर्चना करेंगे। इस तरह से रत्न त्रिधार का सूचक यज्ञोपवीत सब लोग धारण कर ले। ओम नमो परम शांताय शांतिकराय पवित्रिकताम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम धारयामि मम गात्रम पवित्रम भवतु रीम नमः स्वाहा। अब आप लोग सब लोग भगवान जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा आपके घर में है, तो आप थाली के अंदर पहले श्री लिखेंगे। उस श्री लिखने के पहले उसके प्रक्षालन उसको साफ करना है, तो पीठ प्रक्षालन कहते हैं इसको। कुछ पानी की वैसे तो आप धोया हुआ है सबका है, लेकिन आप कुछ बूंदे डाल देंगे तो मंत्र से शुद्धि हो जाएगी। ओम राम रीम रूम रोम रण मूर्ति भुक्ति श्रीमते पवित्र जलेना पीठ प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। अब उस पीठ के ऊपर आपको श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री श्री शारदा सुमुख निर्गत बीज वर्ण श्री मंगलीकर सरजन सनित्यम श्रीमत् स्वयं क्षय श्रीकार वर्ण लिखित जनभद्र पीठे। हाँ, ये अनुश्री के घर में भगवान विराजमान है। अनुश्री वहां श्री लिखो बेटा, ऐसे इसमें लिखो ऐसे। हाँ, अंगुली में केसर लो और श्री लिखो। बहुत सुंदर, आपकी मम्मी कर रही है, आप भी करो साथ में। ओम रीम श्रीकार लेखनम करोमि स्वाहा। अग्नि प्रज्वलित कीजिए, थोड़ा सा कपूर लेकर के वहां पर प्रज्वलित कर लीजिए या दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दुरंत मोहसंतार कांतार दक्षोम दर भी प्रज्वालयामि अग्नि ज्वाला पल्लवीतांबरम ओम रीम अग्नि प्रज्वालयामि स्वाहा। अब 10 दिक्पाल देवों का आह्वान करना है। 10 दिक्पाल देवों के नाम याद कर लेना, क्योंकि रोज उनको अर्घ चढ़ाना चाहिए, है ना। 10 दिशा संबंधी जो हमारी रक्षा करते हैं, 10 दिशाओं के संबंधी आने वाले उपद्रव की, ऐसे 10 दिक्पाल देवों की हम यहाँ पर आराधना करेंगे। उनको यहाँ आमंत्रण बुला करके उनको अर्घ देंगे। तो आप अपनी थाली में 10 जगह अर्घ चढ़ाते जाइए। पूर्व दिशा से प्रारंभ कीजिए, पूर्व दिशा से प्रारंभ करना है। ओम आम क्रोम रीम इंद्र आगच्छ आगच्छ इंद्राय स्वाहा बोलते जाइए। ओम आम क्रोम रीम अग्नि आगच्छ आगच्छ अग्नये स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम यम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम निवृत्त आगच्छ आगच्छ निवृताय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम वरुण आगच्छ आगच्छ वरुणाय स्वाहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अर्घ चढ़ा रहे हैं आप लोग सभी, और स्वाहा बोलते जाइए और नाम भी याद कर लीजिए। ओम आम क्रोम रीम पवन आगच्छ आगच्छ पवनाय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम कुबीर आगच्छ आगच्छ कुबीराय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम ईशान आगच्छ आगच्छ ईशानाय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम धरणींद्र आगच्छ आगच्छ धरणींद्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम रीम सोमागच्छ आगच्छ सोमाय स्वाहा। देखो, प्रत्येक दिशा के अधिपति ये 10 दिक्पाल देव हैं। जैसे पूर्व दिशा के अधिपति जो देव हैं उनका नाम क्या है? इंद्र। ऐसे ही अग्नि दिशा के अग्निपति जो है अग्नि इंद्र हैं। तो ये 10 इंद्र जो हैं उनका हमने यहाँ पर आमंत्रण किया, उनको पूजा में बुलाया और उनको कहा, उनको यज्ञ भाग दिया। यानी भगवान को यज्ञ भाग किसको कहते हैं? जिन द्रव्यों से भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उसका एक भाग वही भगवान उनको भी देना। तो जिसे हम जल चंदन आदि से पूजा कर रहे हैं तो जल चंदन आदि सारी चीजें उनको भी चढ़ानी है। अब नाम याद कर लीजिए आप लोग, एक बार मैं खुद ही नाम बोल रहा हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्त, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, धर्मेंद्र और सोमदेव। इस प्रकार से 10 दिक्पाल देवे उनको हमने अर्घ चढ़ाया। एक बार पूर्णार्घ चढ़ा दीजिए सबको। ओम आम क्रोम रीम इंद्रादि 10 दिक्पाल के भ्यो इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरुम बलिम फलम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञ भागम तेजामहि प्रतिग्रहीताम प्रतिग्रहीताम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। और इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल बाबा देव हैं, उनको भी अर्घ चढ़ाएंगे। भू क्षेत्रपाल जिन पर प्रतिमांक पाल दृष्टा कराल जिन शासन रक्षपाल तैलादि जन्म गुण चंदन पुष्प धूपेर भोगम प्रति जगदीश यज्ञ काले विमल सलिल दारामोद गंधाक्ष दोगे प्रसव कुलने वेद्य दीप धूपे फलोगे पटह पटतरोगे वस्त्र सद्भूषणोगे जिनपति गंगम। ओम आम क्रोम अत्रस्त विजय भद्र वीरभद्र मणिभद्र भैरव पराजित पंक्षितपाल देवात्रागच्छागच्छी नमर्घ्यम ग्राण ग्राण अर्घम समर्पयामि स्वाहा। अब आप थाली में 4 कलश की स्थापना कर लीजिए। 4 कलश से भगवान का अभिषेक करने के लिए हम गंगा सिंधु आदि पवित्र नदियों का जल लेकर के आएंगे, है ना। तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम राम रीम रूम रोम रण मूर्ति भक्ति श्रीमती पद्म महापद्म श्री महापुंडरी कुंडरी गंगा सिंधु रोहि द्रोहिता हरिध्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुनिकुला रूपकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्भो निधि शुद्ध जलम स्वर्ण घटम प्रक्षालित परिपूरित नवरत्न गंध पवित्र कुरु कुरु ज्रोम ज्रोम वम वम हमसम तम पम राम द्रीम असी अवसा नमः स्वाहा। अब श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करेंगे। ये कौन सा अभिषेक हो रहा है? जन्माभिषेक। प्रातः काल उठ करके हम जो गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं वहां से हम पांडुक शिला पे ले जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। जैसे सोधर्म इंद्र भगवान का जब जन्म होता है तो माता का जो गर्भगृह होता है वहां से शची इंद्राणी भगवान को लाती है, सोधर्म इंद्र के हाथों में सौंपती है और सोधर्म इंद्र जो है अपने परिकर के साथ में ऐरावत हाथी पर बिठाकर भगवान को पांडुक शिला पर ले जाते हैं। तो अपन भी ऐसे
ऐरावत हाथी पर बिठा करके भगवान को कहाँ ले जाएंगे, पांडुक शिला पर। यह पांडुका मल शिलाशील मुर्गि कल्याण तो ये पुष्पी संभावयामी पूरे तदीय बिंबम। हाँ, भगवान को विराजमान कर दीजिए पांडुक शिला के ऊपर। ओम रीम श्री वरणी प्रतिमा जी स्थापनम करोमी स्वाहा। अब जलाभिषेक करना है। जल के कलश लीजिए अपने हाथों में, जल लीजिए और अभिषेक प्रारंभ कीजिए। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरांग्रीम प्रस्वेद तापमल मुक्तम अपि प्रकोष्ठे भक्त्या जलेर्जिन प्रतिम बहुधा विचिन्ते। आप लोग सभी बोलिए, ताली बजाते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे। ओम रीम श्रीम क्लीम ईम अर्हम वम वम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम द्रीम द्रीम क्लीम क्लीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र तल जलेन जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। देख चंदन तंदुल पुष्प के चल सुदीप सुधू फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथम हम यदि उमरी भगवती त्रैलोक्य स्वामी नो जलाभिषेकम करोमि अर्घम निरपामि ते स्वाहा। इसके बाद क्या लेना है, इक्षुरस लेना है, गन्ने का रस है। गन्ने का रस कैसा होता है, मीठा। अपने जीवन में अपने को क्या चाहिए, मिठास चाहिए ना। अपने घर में हमेशा मिठास बनी रहे, हम सब मीठा बोले, सब लोग मीठा बोल, हम लोग मीठा लोग सब मीठा बोले तो मीठा सुनेंगे, तो ऐसी हमारे जीवन में मिठास बनी रहे। तो आप लोग अभिषेक कर रहे हैं आप गन्ने के रस से। भक्त्या ललाट तटदेश निवेशितोस्ये हस्ते स्तुतासुर वरासुर मर्त्यनाथे तत्काल पीलित महेक्षुरसस्य धारा सद्य सुनात जिनिबिंब गते वयुष्मान। ओम रीम श्रीं क्लीं ईं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं दिं दिं क्लीं क्लीं राम राम रीं रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो भगवते श्रीमते इक्षुरसेनाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूफलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथम हम जे। ओम री भगवते त्रैलोक्य स्वामी इक्षुरसेनाभिषेकं करोमि अर्घं निरपामि ते स्वाहा। और नारियल का पानी अथवा अंगूर का रस, आम का रस, मौसम्बी का रस, पाइनएप्पल का रस, जो भी आपके पास अनार का रस है ना, प्रतिदिन भगवान को रस से अभिषेक करना चाहिए। तो रस लीजिए। सुपक्वे कनक अच्छाये सामोदीर मोदकारी भी सहकार रसे स्नानम कुरम शर्मे कसद्मनः। ओम रीम श्रीम क्लीम रस लिया। ओम रीम श्रीम क्लीम ईम अर्हम वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं द्रीं द्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो रति भगवते श्रीमते नाना फल रसेना अभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम री भगवती त्रैलोक्य स्वामीनो नाना फल रसेना अभिषेकं करोमि अर्घं निरपामि ते स्वाहा। अब घी लीजिए। घी की धारा करनी है। उत्कृष्ट वर्ण नव हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम कृत शिशुभ गंध गुणानुमीयां वंदे रतां सुरभि संस्नपनोपि युक्तां। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो रति भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम रीम भगवजिन ओम रीम घृताभिषेक श्रीजिनाय अर्घं निरपामि ते स्वाहा। ये पंचामृत अभिषेक के जितने भी श्लोक है ना, सब आपको याद कर लेने चाहिए। घी का अभिषेक करते समय क्या कौन सा श्लोक बोलना, और मंत्र तो आपको याद कर ही, आप अपन कई बार बोल रहे हैं तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। अब दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेरी वात्म यश साम्यव सुप्रवाहे क्षीरेर्जिनाश्चितरे रविशिंचमाना संपातयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो रति भगवते श्रीमते। देखो आपके टीचर अभिषेक कर रही है, उनका बेटा भी कर रहा है दूध से, उनके दादाजी भी कर रहे हैं, सब जगह देखो जिन जिन के चैताले में दूध से भगवान का अभिषेक हो रहा है, देखिए आप अच्छे से। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं द्रीं द्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य। ओम नमो रति भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। बहुत सुंदर। अब अर्घ लीजिए। ओम री भगवती त्रैलोक्य स्वामी नो दुग्धाभिषेकं करोमि अर्घं निरपामि ते स्वाहा। दही लीजिए। दुग्धाब्धि वीक्षिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिम अवधीर यतामतीव दग्धांगता जिनपते प्रतिमां सुधारा
संपद्यताम सपदि वांछित सिद्धये वः ओम ह्रीं श्रीं क्लीमैं अरहं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य ओम नमोर्ति भगवते श्रीमते दद्याभिषेकं करोमि स्वाहा। बहुत सुंदर। ओम ह्रीं दद्याभिषेक सीजनाय अर्घ्यं अर्पयामि स्वाहा। अब सर्वोच्चति लीजिए। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधिक्षुवाहि सर्वाभिरोषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभि उर्ध्वर्तितस्य वीर्यधाम्यभिषेकमीला कालेय कुमकुमरसोत्कटवारि पूरे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्राव्य द्राव्य ॐ नमो भगवते श्रीमते सर्वश्रीराभिषेकं करोमि स्वाहा। बहुत सुंदर अभिषेक किया आपने और अर्घ चढ़ाइए। ओम रीम सर्वशिदिनाभिषिंच श्रीजिनाय अर्घम निरपामिते स्वाहा। अब चार कलश लीजिए। चारों कलश चारों तरफ चारों दिशा में रखे हैं आपने, उठा लीजिए एक साथ में। क्यों चढ़ाते हैं चार कलश अभिषेक क्यों करते हैं? गतियां कितनी है? चार गतियां हैं। आपको याद है ना चारों गतियां टीचर ने बताया है कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चारों गतियों में दुख है तो अपने को इन चार गतियों से निकल करके कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। पांचवी गति मोक्ष वहां जाना है। तो वहां पहुंचने के लिए अपन चार कलशों से भगवान का अभिषेक करेंगे। हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दोनों ने ले लिया, बढ़िया। एक साथ में करना चारों कलशों से है। हाँ चलो। हाँ देखो खुशी और उसकी बहन दोनों ने लिया, दोनों कर दोनों हाथों में दो दो कलश। ऐसे सब आप भाई बहन जितने भी हैं सब लोग ले लीजिए, दोनों हाथों में दो दो कलश ले लीजिए सब लोग। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनेकपतिर्जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं राम राम द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य ॐ नमोर्ति भगवते श्रीमते चतुष्कोण कुंभ कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं चतुष्कोण कुंभ कलशाभिषिंचित श्रीजिनाय अर्घ्यं निरपामिते स्वाहा। अब चंदन लेपन करना है। आप चंदन घिस करके लाए ना, बहुत सुंदर केसर चंदन, उसके अंदर कपूर वगैरह मिला करके वो पूरा चंदन से लेपन करना है भगवान को। संशुद्ध्य शुद्ध्या परिहावि शुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चंदन विलेपनम चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। चंदन लेपन करने के बाद में आपके पास केवड़ा मालती आदि के जो पुष्प हैं, गुलाब मोगरा आदि के, उन पुष्प से पुष्प वृष्टि करेंगे भगवान के ऊपर। वासंतिका जाति सुरेश वृंदे बंधुक वृंदे रवि चंपकाद्य पुष्पेरने केरलिभिर्हुताग्रे श्रीमद् जिनेन्द्रांग्रे युगम यजेहम इति सुमन सुखदाय पुष्प वृष्टि करोमि स्वाहा। चलो अब आरती करेंगे सब लोग। आरती लीजिए अपने हाथों में। सोनानी थाड़ी मागीनो छे दीवड़ो प्रभु जिनी आरती करिए रे हालो हालो मंदरिये जइये रे। हाँ आरती करिए। दद्यो जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितम प्रतिदिनम महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकम तवि भूरवतारयामि इति मंगलावतरणम मंगलोद्धारणम करोमि स्वाहा। अब अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं भगवत जिनत्रैलोक्य स्वामिनः स्पन्दान पुष्पवृष्टि मंगल आरती करोमि अर्घ्यं निरपामि ते स्वाहा। अब सुगंधित कलश लीजिए। पांचवा जो कलश लिए रखा है ना अपने थाली में वो उठा लीजिए, दोनों हाथों से लीजिए। द्रवीरनल्पघनसार चतुस्समाड्ये रामोदवासित समस्त दिगंधराली मिश्रीकतेन पयसं जिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्थपनं करोमि। दोनों हाथ में लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं राम राम ह्रीं ह्रीं द्राव्य द्राव्य ॐ नमोर्ति भगवते श्रीमते पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। बहुत सुंदर। पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं भगवत जिनत्रैलोक्य स्वामिनः पूर्ण सुगंधित कलशाभिषिंचित श्रीजिनाय अर्घ्यं निरपामि स्वाहा। अब शांति धारा करिए। शांति धारा का कलश लीजिए और हाँ शांति धारा का कलश के ऊपर श्रीफल फल वगैरह रख लीजिए अच्छे से और सब लोग एक साथ में शांति धारा करेंगे, ठीक है।
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमोर्ति भगवते श्रीमते पार्श्व शंकराय द्वादश गण परमेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं भूय सिद्धाय विद्याय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय विद्याय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणि निर्भणा मंडल मंडिता उपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म शंकराय अजरामराय अपवाय अस्माकं छिन्न छिन्दी बिन बिंदी मृत्युम अति कामम सभी लोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलिए अति कामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्व राज भयम सर्व चोरी भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्वात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नरमारीम सर्व गजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वदेशमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वविषमारीम सर्वक्रूररोगवेताल शाकिनी डाकिनी भयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्तेजो बलिशोरी वीरशांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीटकर वटमटम पत्रण दुर्गसंहानंदनम सर्वानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखमहनानदहदह पचपचपुटपुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिवसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते शिवमस्तु कुलगोत्र धनंदानि वसदास्तु इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रह शान्त्यार्थं गन्धोदकधारावर्षणं करोमि स्वाहा ओम नमोर्ति भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप्ति विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राध्यानमाद्य जम्बुदीपे परस्कृत्य आदि खंडे महाराष्ट्र प्रांति मुंबई नगरी बोरीवली उपनगरे मासोत्तम मासे श्रावण भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी शुभ दिने मुनियारिका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म अक्षयार्थम अपना अपना नाम ले लिए सभी लोग मम परिवारस्य सर्व शांतिम तुष्टिम कुष्टिम कुरु कुरु वशट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र। आपके वहां पद्मावती की प्रतिमा है उसके ऊपर धारा करेंगे सब लोग माता पद्मावती की धारा करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। सब लोग ले लीजिए पद्मावती माता की मूर्ति के ऊपर धाना शुरू करेंगे। सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। आज आप अभिषेक पूजा शांति से देखना, शाम को जो हमारी कंपटीशन है ना उसमें आप सबको अच्छे से आंसर देना है। अपने को पंडित जी जो भी सिखाते हैं जो भी बताते उसको अच्छे से ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। और मुझे बच्चे बार बार पूछ रहे वो सब इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप में मैं डाल दूंगी, ये खत्म होने तक सबको पता चल जाएगा, ठीक है। सुन लिया आप लोग का सबने? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी पद्मावती माता आपके घर में है ना, उनके ऊपर जल धारा कीजिए, उनका अभिषेक करेंगे। ओम नमो भगवते श्रीमत पार्श्वचंद्राय त्रैलोक्य विजय अलंकृताय सुवर्ण वर्ण धरणि नमस्कृताय नीलवर्णाय कर्म कांतारुणवत्तंगजाय संसारोत्तीर्णाय प्राप्त परमानंदाय तत्पदारविंद सेवा हे वाक्चंचरी कोपमी मानव देवदान विनम्रमौली मुकुटमंडली मयूख मंजरी रचितांग्री पीठे सेवक जन वांछितार्थ पूर्णाधारी कृत चिंतामणि कामधेनु कल्पलते विश्व विकुपाक सुमति तारक पद्मरागारुण दीपभापासु समस्ताकार्तिक चक्रवाली लीला निर्दलित रौद्रधारी द्रौपद्रवे शरणागत त्राणकारिणी दैत्योपसर्ग निवारिणी भूतभेदशात्यक्षराक्षसा जलस्थल देवता दोष निनाशिनी त्रिभुवन जनमोहिनी भगवती श्री पद्मावती यही आगच आगच प्रसाद सर्व कर्म कर वशट पद्मावती माता की जय। बहुत सुंदर अनुश्री के घर में बहुत सुंदर पद्मावती माता है, बहुत सुंदर अभिषेक किया। और अब अपन जो है वो आप सभी लोग भगवान को परिमार्जन करके पहुंच करके हाँ विराजमान कर दीजिए।
ठीक है। सप्तक पति जी आप बच्चों को दो तीन सवाल पूछिए। कल हमारे बच्चों ने महाराज जी का जन्मदिन था उसके अपलक्ष में बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत किए थे सभी बच्चों ने, बहुत सुंदर। और आज शाम को जो बच्चों की क्विज कॉन्टेस्ट है उसके लिए सब बच्चे आज रेडी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग भगवान विराजमान कर लीजिए और सब अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए आपको रोज याद करवा तो भगवान के मंदिर में जाते हैं आप लोग, दर्शन पाठ बोलते हैं, है ना, और भगवान का अभी अभिषेक भी करते हैं। तो सब पांच कुमार देव हैं, उनका हम आह्वान करके उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं। पहले उनके नाम याद कर लो, मैं नाम बोलता हूँ, वास्तु कुमार, वायु कुमार, मेघ कुमार, अग्नि कुमार और नाग कुमार, है ना। इनको अर्घ्य चढ़ा करके उसके बाद में भगवान की अर्चना प्रारंभ करनी चाहिए। तो आप एक नाम लिख लीजिए और रोज इनको अर्घ्य चढ़ाना, ओम आम क्रोम वास्तु कुमार, वायु कुमार, मेघ कुमार, अग्नि कुमार, नाग कुमार, पंच कुमार देव, अत्र आगच्छा आगच्छ, इदम् अर्घ्यम् ग्रहाण ग्रहाण स्वाहा, ऐसा बोलते हुए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। तो आप नाम आपको याद हो गए, वास्तु कुमार, वायु कुमार, मेघ कुमार, अग्नि कुमार, नाग कुमार, ठीक है। चलो एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, अष्ट द्रव्य के नाम कौन 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 बच्चे बताएंगे? पारस भाई देख लीजिए कौन, जब तक भगवान विराजमान करते हैं सब लोग तब तक एक प्रश्न खाली आपको पूछ लेते हैं, उसके बाद में तुरंत पूजा प्रारंभ करेंगे। अष्ट द्रव्य जो है उनके नाम बताना है, आप लोग अपना हैंड रेस कर दीजिए और पारस भाई पूछेंगे किसको पूछना है, पूछिए। अष्ट द्रव्य के नाम कौन बच्चे बताएंगे? चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। अभी एक प्रश्न मैं आप सबको पूछती हूँ, हमें भगवान को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? आपको देखो पंडित जी हर टाइम सिखाते जल ऐसे चढ़ाना है, चंदन ऐसे चढ़ाना है। मैम हमें जल को जो हमारी जो दो है तो जल की जो कलश है उसको एक बार, दो बार, तीन बार, यानी हमारी जन्म जरा और मृत्यु विनाश हो जाए, फिर ऐसे एक दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने। बहुत अच्छा। अच्छा आज ये बताओ, आज है ना जब हम अर्घावली बोलेंगे ना तो जब भी शांतिनाथ भगवान का अर्घ बोलना आएगा, सिद्ध भगवान का अर्घ बोलना आएगा, तो आप लोग हैंड रेस, एक एक जन हैंड रेस करना, हम आपसे बुलवाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी शाम के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। चलिए तो अभी हम सब लोग घर पे बैठे और घर पे बैठ के ही जो पूजा आप लोग कर रहे हो ना, देखो आप सबको भगवान के दर्शन बार बार किए जा रहे, बताए जा रहे हैं, आप सब लोग दर्शन करते जाओ और साथ में पूजा करते जाओ, और बराबर से बोलना शाम की पूजा के लिए सबको तैयार करना है। चलिए तो शुरू करते हैं पूजा पंडित जी के साथ में, ठीक है। पूजा के पहले अभी आपको टीचर ने एक प्रश्न पूछा था, जल कैसे चढ़ाते हैं, तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। आप इधर से आपकी टीचर जो है वो एक्शन करती जाएगी, आप देखते जाना, है ना। देखो स्थापना कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों हाथों को मिला करके अंजलि बना लीजिए, पूरी बहन जरा हाथ ऐसे थोड़ा आपका मोबाइल स्क्रीन, हाँ बस अंजलि, बहुत अंजलि बनाइए और दोनों हाथों को खोल दीजिए, ये तो श्रीफल हो गया ये, है ना, ये तो ये भगवान को दर्शन करते समय ये मुद्रा होनी चाहिए। अब आपको जल आह्वान करना है तो दोनों हाथों में लौंग लेना है और देखिए यहाँ से देखिए आप मुद्रा देखते जाइए, हाँ दोनों हाथों को खोल लीजिए, ऐसे ऐसे खोल लीजिए, नहीं नहीं हाँ हाँ, और थोड़े कीजिए ऊपर से, ऊपर से देखो इस तरह से, ये देखिए इधर इस तरह की मुद्रा बनाइए। हाँ अपन जैसे फूल चढ़ाते समय अंजलि बनाते हैं ना, इस तरह से अंजलि बनाना है ना, और उस अंजलि के अंदर पुष्प लेना, पुष्प लेना या लौंग ले लेना इस तरह से, और लौंग की कोई गिनती नहीं करना अपने को, एक दो तीन चार, कोई बोलता तीन चढ़ाना, कोई बोलता दस चढ़ाना, कोई बोलता नौ पढ़ा चढ़ाना, ऐसा कुछ ये फिक्स नहीं है। आप तो लौंग पुष्प जैसे पुष्प लेते तो गिनती करते हैं क्या, तो हमको पुष्प ही लेना चाहिए, फूल ही लेना चाहिए, लेकिन फूल नहीं है तो उसकी जगह लौंग ले सकते हैं। तो इस तरह से अंजलि में ले करके और ये जो ठोना रखा है ना उसके ऊपर एक साथ में चढ़ाना है, तो वो है ना एक साथ में पहले ही मंत्र में चढ़ा देना, ठीक है। फिर दूसरी बार जब मंत्र आह्वान के बाद में स्थापना करते हैं तो स्थापना के समय हाथों को उल्टे करते हैं इस तरह से, और उल्टे करके हाथों को इस तरह से
भगवान यहाँ बैठिए 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 यहाँ विराजिए, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, देख लिया आपने ये मुद्रा, इसको कहते हैं स्थापन मुद्रा। और अब सन्निधिकरण मुद्रा, इसमें दोनों अंगूठे जो है ऊपर ले जाना, और दोनों अंगूठे ऊपर ले जाइए और सभी अंगुलियों को मिला लीजिए इस तरह से, है ना, और उसको हृदय मंदिर के पास में ले जाइए इस तरह से। अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत सन्निधि करते हुए। तो ये आह्वानन मुद्रा, स्थापन मुद्रा और सन्निधिकरण मुद्रा आपने देख ली। दोनों अंजुली बनाना वो आह्वानन मुद्रा हो गई। दोनों हाथ उल्टे करके भगवान के वहां विराजमान किए, वहां पर हाथों को बार बार ले जाना, उसको कहते हैं स्थापन मुद्रा। और फिर दोनों अंगूठे ऊपर और सारी अंगुलियां अंदर इस तरह से अलग करके दोनों हृदय मंदिर के पास ले जाना, सन्निधिकरण मुद्रा है। उसके बाद में आपने जल लिया, तो जल कैसे लेना, आपको कलश में लेना है, और कलश के ऊपर टोटी होती है ना उस झारी से, है ना, उसको उसके बाद तीन बार, जैसे अभी बच्चे ने बताया, किसने बताया था, क्या नाम था उसका, कौन से बच्चे ने बताया जल चढ़ाना, चलो सब रिजीमा पाटनी ने, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया था। तो उसको सारे द्रव्य भी अब देख लेना किस तरह से, जल के बाद चंदन कैसे चढ़ाना है, हाँ चंदन कैसे चढ़ाना, देखिए कटोरी के अंदर जो चंदन होता है आपकी कटोरी, उसमें चंदन को मिला लीजिए और भगवान के चरण में चढ़ाना है इस तरह से, भगवान के चरण में चढ़ाइए ऐसे, चंदनम निरपामिति स्वाहा, दोनों चरण में चढ़ाना। और अगर वहां नहीं पहुंचे, भगवान कई बार मंदिर में रहते हैं, यहाँ पर पूजा नीचे कर रहे हैं, तो ये थाली में इस तरह से यहाँ पर इस तरह से दो बिंदी कर देना, मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर अक्षत की मुद्रा देखिए, मतलब थाली में दो बिंदी कर दिए, हाँ हाँ दो बिंदी, मतलब दो चरण में भगवान को चढ़ा रहा हूँ। अब देखिए अक्षत, ये आपके जो अंजुली ले ली, अंजुली में दोनों हाथों में अक्षत ले लिए और अंगूठा अंदर और चारों उंगलियां उसके ऊपर दबा दीजिए, ये मुट्ठी बन गई, दो मुट्ठी बन गई। अब दो मुट्ठी जो है उसके दोनों पुंज बनाना है, तो इस तरह से पुंज बन गए, और पुंज बना करके फिर आपको क्षेपण करना है, अक्षतम निरपामिति स्वाहा, ठीक है। उसके बाद में पुष्प के लिए आप अंजुली बनाते हैं, जो पहले बनाई थी आह्वान के लिए, ऐसे अंजुली बना लीजिए, उसमें केवड़ा गुलाब आदि के पुष्प रख लीजिए और अंजुली इस तरह से स्वाहा करके चढ़ाइए। उसके बाद में फिर थाली में आप लोग अच्छे अच्छे नैवेद्य जो पकवान वगैरह बनाए हैं आपने, पूड़ी पकौड़ी वगैरह सब चीजें थाली में लीजिए, इसके डिश डिश जो है ना आपके डिश में ले लीजिए, है ना, और डिश में लेकर के चढ़ाना चाहिए नैवेद्य। दीपक जो है वो आपको आरती उतारते हुए चढ़ाना है, आरती तो आपको मालूम ही है आरती करना, इस तरह से आरती ले ली और भगवान के सामने आरती उतारते हुए आरती चढ़ाना है। फिर धूप के लिए जो है दो क्या बनाना है आपको, इस तरह से धूपान्ना रहता है, उस धूपान्ने के अंदर अग्नि जली रहती है और उसके अंदर जो है वो आपको धूप कैसे चढ़ाना है, दो अंगुली बताइए, अंगुली हाँ इस तरह से अंगूठा और दो अंगुली, है ना, इस तरह से धूप ले लीजिए और उसके अंदर अष्टकर्म धनाय धूपम निरपामित करते हुए चढ़ाना है। और उसके बाद में आपको थाली में अनेक प्रकार के फल ले लेने के हैं, है ना, और फल में जो ये भाग होता है जहाँ से फल लगता है वो आगे रखना भगवान के सामने, जहाँ से भी लग रहा है, जैसे ये अनार जो है वो यहाँ से लग रहा है, है ना, ये भाग नहीं, ये उल्टा है, ये इस तरह से अनार है ना, इसी प्रकार से केले के गुच्छे आप चढ़ा रहे हैं तो ये केले के गुच्छे इस तरह से भगवान की तरफ होने चाहिए, है ना, तो इस तरह से सभी फल बहुत अच्छे अच्छे फल चढ़ाना है, ठीक है। और मंत्र तो मैं बोलूंगा तो आपको याद कर ही रहेंगे कि जन्म जल जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना है, चंदन चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना है, अक्षत करना, वो तो अपन आप सीख ही करेंगे, इसलिए आप शुरू करते हैं पूजा अपन। ओम, सबसे पहले अपन आप लोग सभी लोग अपने अपने पूजा की पुस्तकें खोल लीजिए, दो पूजा करेंगे, नव देवता की पूजा और रवि व्रत की पूजा, और उसके बाद शांति पाठ विसर्जन आदि करेंगे। और आज जो है सोलह कांड व्रत भी चल रहा है, तो सोलह कांड की पूजा भी अपन कर लेंगे, इतनी पूजा करेंगे और फिर शांति पाठ विसर्जन करेंगे। आइए पूजन पहले पीठ का बोलेंगे, ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयिरियाणम नमो वज्जायनम नमो लोये सुभसाहूणम ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलि क्षिपेत, दोनों हाथों में पुष्पांजलि लेकर के चढ़ाइए, पुष्पांजलिम क्षिपेत चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तोधमो मंगलम चत्तारी लोगुतमा अरिहंत लोगुतमा सिद्ध लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पन्नत्तोधमो लोगुतमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि
ओम नमोर्ति स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेत अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। आप लोग मेरे साथ में बोलिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ और सब लोग अच्छे से राग से अपने घर में बोलिए। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यस्मरित परमात्मानं सवायाभ्यंतरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलमत। एषु पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसीं परमं हवै मंगलम्। परमित्याक्षरम् ब्रह्म वाचकम् परमेष्टिन सिद्धचक्रस्य सद्वीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टकम् विनिर्मुक्तम् मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् सम्यक् स्वादिगुणोपेतम् सिद्धचक्रम् नमाम्यहम्। विघ्नोघा प्रलयम् यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम् निर्विष्टाम् याति स्तुयमाने जिनेश्वरे पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब अर्घ चढ़ाना, आपको थाली में अर्घ लीजिए, बीच में उदक चंदन तंदुल पुष्प की चल सुदीप सुधू फलार्क के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे कल्याण महम यदि उम्री भगवान की गर्भ जन्म तप्या निर्वाण पांच कल्याण के भी वर्गम निरपामिति स्वाहा। चढ़ाते जाइए बेटा चार बार, ओम री भगवजन सहस नामे भी वर्गम निरपामिति स्वाहा। ओम री वर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमिष्टि भी वर्गम निरपामिति स्वाहा। ओम रीम तत्वर सूत्र भक्त मराधि समस्त स्त्री भी वर्गम निरपामिति स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ेंगे। श्रीमज्जिनेन्द्रम अभिवंदे जगत्रयेशम स्यादवादनायकमनंत चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संग सुदशाम श्रीकतेक हेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधायि स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनपुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जितद्रग्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वत्युत्सलभ्यमलबोधि सुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विधिरेकदुग्धमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्व शुद्धिमतिगम्यतानुरूपं वावस्व शुद्धिमतिकामतिगन्तुकाम आलम्बनान् विविधान्निवलम्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नून्यमखिलान्येमेकेव अस्मिन् जलद् विमलकेवल बोधवन्हो पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ॐ ह्रीं श्रीविधियज्ञ प्रतिज्ञापनाजिनि प्रतिमाग्रे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत। अब दोनों अंजलि में पुष्प लेकर के 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में थोड़े थोड़े पुष्पांजलि क्षेपण करना है सबको। श्री ऋषभुवन स्वस्ति स्वस्ति श्री जीता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयांश स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री रनाथ श्रीमली स्वस्ति स्वस्ति श्रीमुनि सुरत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलि क्षिपेत। नित्या प्रकम्पाद्भुत केवलोगा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञाने बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्ष योनः। पुष्टस्त धान्योपममेक बीजं संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्ष योनः। संस्पर्शनं संश्रवणं च दूराद आस्वादन ग्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाप्त स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। प्रज्ञा प्रधाना श्रवण समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्व पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। जंगावली श्रेणी फलांबुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा न भुंगण स्वैर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। अणिन्मि दक्षा कुशलामहीन्मि लगिन्मि शक्ता कृतिनोकरिणि मनोव पूर्वाग बलिनस्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। सकामरूपित्ववशित्वमीश्यं प्राज्ञाम्यमन्तर्धीमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिगत गुण प्रदाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्त ब्रह्मा परम गौरे गुणाश्चरंत स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। आमर्ष सर्वोषधयस्तथा शीर्विषं विषाद्रष्टे विषं विषाश्च सखिल्ल विजल्ल मल्लोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन।
क्षीरम स्रवन्तु त्रघतम स्रवन्तु मधु स्रवन्तोऽप्यमृतम स्रवन्त अक्षीण संवास महान सास्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न इति श्री परम स्वस्ति मंगल विधान संपन्नम परिपुष्पांजलिम श्वेत बोलिए नव देवता पूजा की जय। अब आप लोग सब लोग नव देवता पूजा निकालिए है ना और स्थापना करेंगे। मैं फिर अपन सब मिलकर के चार लाइन बोलेंगे और उसके बाद में स्थापना करनी है। स्थापना की मुद्रा आपकी टीचर को देखते जाइए किसी किस तरह से कर रही है वैसे आप भी करना है। चलिए मैं चार लाइन बोलता हूँ आप भी बोलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हुए पहले जी तमे बे लाइन बोलजो बे लाइन नहीं दिजम बोल से सब लोग बोलेंगे दो लाइन। अच्छा ठीक है दो लाइन बोलता मैं ठीक है। अरिहंत सीताचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंद्य है जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद्य है। बोलिए में हम सदा अर्चा करे आहान कर थापे मन में अतुल श्रद्धा करे। बहुत सुंदर। चलिए अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ अभी आपको मंत्र बोलना भी सीख जाना है सबको है ना। तो पहले आप लोग मुद्रा बना लीजिए अच्छे से ऐसे मुद्रा बना लीजिए हाँ सब लोग अपनी अपनी मुद्रा बना दिखाइए सब लोग किस तरह से मुद्रा बनाइए आह्वान मुद्रा दोनों हाँ अंजलि बनानी है हाँ देखो टीचर आपकी बता रही है कैसे करना है। दोनों हाथों में लीजिए ओम रीम अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चाली समूह अत्र अवतर अवतर संवोषते आह्वाननम हाँ। अब स्थापना मुद्रा बनाइए ओम रीम बहुत बढ़िया सब लोग अच्छा कर रहे हैं। ओम रीम अर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चाली समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम और स्तनिधिकरण मुद्रा बनाइए ओम रीम मंत्र बोलना है ओम रीम अर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चाले समूह अत्र मम सन्निहितो भव वशत् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बहुत बढ़िया चाक ने अच्छा बनाया अच्छी मुद्रा बनाई। चलो अब जल चढ़ाए जल कैसे लेना है कलश से लेना है लेकिन जब मंत्र बोलेंगे ना उसका आपको दोनों हाथ से ताली बजानी है सब लोगों को है क्लैपिंग करना है दोनों हाथ से। दो लाइन हम बोलेंगे दो लाइन आप लोग सब लोग बोलिए एक बार देखते हैं अपन आप लोग सब लोग अनम्यूट हो जाइए सबको एक साथ में बोलेंगे दो लाइन अच्छे से बोलेंगे तो फिर तो आपको बोलने के लिए कहेंगे ठीक है नहीं तो फिर हम ही बोलेंगे। वायमल दो सदा अंतरिमलों के क्षालनी को बहुत बढ़िया फिर से अच्छे से करना है एक साथ में बोलना लेकिन हाँ ओम रीम जल चढ़ाइए कलश लीजिए धारा करनी है ओम रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चाले व्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निरपामिति स्वाहा श्रित गंदन देह ताप निवारता तुम पाद सुरत ही वारता नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम रीम अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चित चाले व्यो संसार ता विनाशनाय चंदनम निरपामिति स्वाहा। कटोरी से नहीं चढ़ाना है ध्वनि दोनों हाथ अंगुल इससे अंगुली में लो बेटा ऐसे इस तरह से ये वाली अंगुली राइट हैंड की ये फिंगर लेना और इस फिंगर में देखो केसर लेना उसमें है और फिर भगवान के चरण में चढ़ाना है ना बेटे चलो या थाली में चढ़ा आपके वहां भगवान नहीं है तो थाली में चढ़ा दो है ना। चलिए अब अक्षत लीजिए अक्षत की मुद्रा बाद में बनाना
पहले दोनों हाथ से क्लिपिंग करना है, चार लाइन अपन बोल रहे हैं ना, तब तक सबको क्लिपिंग करना है। दोनों हाथ से ताली बजाओ। क्षीरो दधी के फेन समसित तंदुलों को लाय के उत्तम अखंडित सौख्य हेतु कुंज नव सुचढ़ाय के नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। चलिए अक्षत चढ़ाने की मुद्रा बनाइए, मुद्रा बनाइए सब लोग। दोनों हाथों में अक्षत लीजिए और दोनों पुंज बनाइए। ओम री मर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिना गम जिन चित जत चले भयो अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतम निरपाम ते स्वाहा। चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे एक साथ में बोलना है सबको, मेरे साथ में बोलिए नहीं तो सब लोग मेरे राग में राग लगा के बोलिए है ना। ओम री मर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित जिता लेभ्यो काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम नृपामि जी स्वाहा। अब अपने अपने डिश में सब लोग नैवेद्य लीजिए। पंडित जी टीचर मैम क्या होता है कि दोनों आवाज एक साथ में नहीं आते हैं, तो अपन ये करते हैं कि दो लाइन पंडित जी बात बोलेंगे, उसके बाद पंडित जी पॉज हो जाएंगे और फिर आपके यहाँ से शुरू करें, नहीं तो इंटरनल दोनों का ठीक से नहीं आवाज आता है। अच्छा अच्छा चलो इस बार कोशिश करो। ठीक है ठीक है ठीक है, दो लाइन हम बोल के छोड़ देंगे। ठीक है। कर्पूर ज्योति जगमगे, क्या लिया आपने? नैवेद्य लिया ना? हाँ नैवेद्य के लिए बोलो, दो लाइन बोल रहा हूँ। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में निज आत्म अमृत सौख्य हेतु पूजहु नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से प्रचार करे सब सिद्धि रीति मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम री मर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चैत्यालयेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिते स्वाहा। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तुम आरती तम आरती पावू सुज्ञान प्रकाश में दश गंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में केऊ सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब मुझ से विदा अंगूरे अमरते आम्रे अमृत फल भराऊं थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजूं आज में मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरपामिते स्वाहा। जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार्गले वर रत्न त्रय निधि लाभ यह बस अर्घ से पूजत मिले बताओ कि सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता करे। ओम री मर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित चैत्यालयेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामिते स्वाहा। जलधारा से नित्य की शांति है
नवदेवों को पूजूं श्रद्धा भक्ति समेत शांति शांति धारा कीजिए। अब पुष्पांजलि क्षेपण करना। नाना विधि के सुमनले मन में वो वर्षाय मैं पूजू नवदेवता पुष्पांजलि चढ़ाए दिव्य पुष्पांजलि छिपेता। अब सब बच्चों को 9 बार जाप करने हैं और जाप करते समय लौंग थाली में चढ़ाना है या पुष्प चढ़ाना है। ओम रीमर सिद्धाचार्य सब लोग स्वाहा बोलेंगे या पूरा मंत्र बोल सकते हैं आप लोग मेरे साथ में तो पूरा मंत्र बोलिए। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चत चैतन्य भ्यो नमः स्वाहा। बहुत सुंदर, आपने सभी ने अच्छे जाप किए, पुष्पों से जाप किए और अब जो है वो आपको जयमाला करनी है। जयमाला कैसे की जाती मालूम है ना, कल उसे मैं पिछली बार बताया था, खड़े होकर के नृत्य करते हुए जयमाला की जाती है ना। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, बहुत अच्छा नृत्य करना है भगवान के सामने, है ना। और नृत्य करते हुए भगवान जयमाला गाएंगे सब लोग। चित चिंतामणि रत्न तीन लोक में श्रेष्ठ हो गाऊं गुण मणिमाल जय वंते वरतो सदा। अब मैं सबको देख रहा हूँ, जिसका डांस बहुत अच्छा रहेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। हाँ, डिश नीचे रख लीजिए, डिश नीचे रख लीजिए, हाथ में कुछ नहीं लेना, दोनों हाथ से ताली बजाना है और दोनों पैरों से नृत्य करना है ना, अच्छे से भगवान के सामने भक्ति करते हुए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धर्म चक्र चले प्रभु तेरे आगे आगे, वीर तारी वाणी मने मीठी मीठी लागे। पुस्तक किसके हाथ में, पुस्तक रख लो बेटा नीचे, पुस्तक रख लो नीचे, पुस्तक नीचे रख दो। हाँ बस, बहुत बढ़िया। बस किताब अगर हाथ में कुछ नहीं रखना है, दोनों हाथ से तो सिर्फ ताली क्लैपिंग करना है। हाँ, और जैसे भी आप जैसे भी नृत्य कर सकते हैं वैसे कीजिए, जरूरी नहीं है कि ताली बजाना, लेकिन जैसा भी आप नृत्य कर सके ऐसे हाथों को घुमा करके जैसे भी करना आप लोग। बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे अच्छे नृत्य करते ही है सब लोग, तो भगवान की भक्ति नृत्य करके की जाती है, तो अच्छे से करेंगे। फिर से मैं शुरू करता हूँ। धर्म चक्र चले प्रभु तेरे आगे आगे, धर्म चक्र चले प्रभु तेरे आगे आगे, वीर तारी वाणी मने मीठी मीठी लागे, वीर तारी वाणी मने मीठी मीठी लागे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग मा रंगी गयो रे। ओ रंग मारे प्रभु तारा ही रंग मा रंग गयो रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति मा तारी ऊना चिरयो रे, भक्ति मा तारी ऊना चिरयो रे, प्रभु तारा ही रंग मा रंगी रंगयो रे। रंग लाग्यो मा वीर तारो रंग लाग्यो, रंग लाग्यो मा वीर तारो रंग लाग्यो, तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो, तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो, तारी भक्ति सी भेड़ो पार महावीर तारो रंग लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो। जय जय श्री हरि हंत देव देवा हमारे, जय घातिया को गाती सकल जंतु बारे, जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण सतीस धार रहे हैं, दीक्षादि देह संग भव्य तार रहे हैं, जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे गणी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चित न हो कदा, ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे, संसार विषम सिंध से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा,
जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे भव रोग दूर करवे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करी है। कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को जो भजे वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो नित्याराधना करे वे मृत्यु राज की भी तो विराधना करे। वे कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जब संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजो। नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल मैं चाहूं निपद में विश्राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नृत्य किया। चलिए अब अर्घ लीजिए, अच्छे अच्छे फल लीजिए, पुष्प लीजिए, नैवेद्य लीजिए, अर्घ बनाइए और अर्घ बना करके भगवान के चरणों में अनर्घ्य पद। अनर्घ्य मतलब किसका, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, बहुत बहुमूल्य है ना, तो अमूल्य जिसको कहते हैं, बहुमूल्य भी नहीं कहेंगे इसको क्योंकि अमूल्य कहेंगे जिसकी कीमत ही नहीं की जा सकती, ऐसा पद जो है वो हमें प्राप्त होवे इसलिए भगवान के हाथ अर्घ क्यों चढ़ाते हैं, अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए। और अनर्घ्य का मतलब क्या होता है याद कर लेना, अनर्घ्य मतलब अमूल्य है ना, जिसकी कोई संसार में कोई कीमत नहीं हो सकती, जिसकी संसार में किसी वस्तु से तुलना नहीं हो सकती, ऐसी अनर्घ्य पद की प्राप्ति के लिए मैं भगवान आपके चरणों में अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। ओम रीम अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चित्तालेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घम निरपामि ते स्वाहा। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे वे सब मंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे। नवनिधि अतुल भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मग्न फिर यहाँ पर कभी ना आवते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि श्वेता। अब अर्घ चढ़ाना है एक ओम रीम विद्यमान भी सरसंकरे भ्यो अर्घम निरपामिते स्वाहा। ओम रीम पांच भरत पांच ऐरावत पंच महावीर पांच भरत पांच ऐरावत दस कृष्ण के सात सौ भिजनदा जलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा। ओम रीम नमो सिद्धानाम सिद्ध परमेश्वरीभ्यो अर्घम निरपामिते स्वाहा। एक चौबीस भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे, मेरे साथ में बोलिए सब लोग, चौबीस भगवान का अर्घ सबको आता है। जल फल आठों सुख सारे ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतारे भवतरी मोक्ष वरो। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पावत मोक्ष मही। ओम रीम शिशुपादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाय नमः जलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा। अब अभी सोलह कांड व्रत चल रहा है तो अपन सोलह कांड की पूजा कर लें फिर उसके बाद में रवि व्रत पूजा करेंगे। तो सबसे सोलह कांड व्रत की पूजा निकालिए, उसके बाद रवि व्रत की पूजा भी ढूंढ के रख लेना अपनी पुस्तक में कहाँ पर है कौन से पेज पर, ताकि समय अपना व्यस्त नहीं होए और सोलह कांड की पूजा के लिए अपन सभी भूल कर बोलेंगे। सोले कारण बाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पेले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो हम हो शोड शिकार। ओम रीम दर्शादि शोड शिकारणानि अत्र अवतर अवतर समोषणे आवाहननम। ओम रीम दर्शन सिद्धादि शोड शिकारणानि अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रीम दर्शन सिद्धादि शोड शिकारणानि अत्र मम सन्निहितो भव वशद सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं स्पेत। कंचन जारी निर्मलनी पूजो जिनवर गुण गंभीर परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि पावना वाय सोला तीर्थंकर पददाय परम परम गुरु हो। हाँ हो बोलना है, हो या नहीं है, हाँ ये याद रखना। ओम रीम दर्शन सिद्धादि शोष कारण भी जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निरपामिते स्वाहा। चंदन घसों कपूर मिलाय पूजो श्री जिनवर के पाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्ध परम गुरु। ओम रीम
दर्शन आदि शोष कारण संसार विनाशनाय चंदनम निरपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड अनूप पूजो जिन वरति हूँ जग भूप परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शिष्य आदि शोष कारणे भी ओक्षे पद प्राप्ति यक्षतम निरपामिते स्वाहा। फूल सुगंध मधुप गुंजार पूजो जिनवर जग आधारे परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शन आदि शोष कारणे भी कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिते स्वाहा। सदने वज बहु विधि पकवान पूजो श्री जिनवर गुण खाने परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शन सिद्धि शोष कारणे भियोक्ष दारु गुणाशनाय नैवेद्यम निरपामिते स्वाहा। दीपक ज्योति तिमि रक्षयकार पूजो श्री जिन के बल धारे परम गुरु हो। जय परम गुरु हो। ओम रीम दर्शित आदि शोष कारणे भ्यो महांधकार विनाशना दीपम निरपामिते स्वाहा। अगर कपूर गंध शुभ के श्री जिनवर आगे महके य परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शिद्यादि शोर्ष कारणे भ्यो अष्ट कर्म धनाय धूपम निरपामिते स्वाहा। श्री फल आदि बहुत फल सार पूजो जिन वांछित दातारे परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शन सिद्धि शोष कारणे भ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरपामिते स्वाहा। जल फल आठों द्रव्य चढ़ाए ध्यान त्वरत करो मन लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम रीम दर्शन आदि शोर्ष कारणे भ्यो अनर्गपद प्राप्ति अर्घम निरपामिते स्वाहा। अब जयमाला करेंगे। षोडश कारण गुण करे हरे चतुर गति वास पाप पुण्य सब नाशके ज्ञान भानु परकाश। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले सोरन की आपद टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माई ताके मोह महातम नाई। जो संवेग भाव विस्तारे सुरगम कति पद आप निहारे। दान दे मन हर्ष विषेके इय भव जस पर भव सुख देके। जो तप तपे कपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे तिहुं जग भोग भोग शिव जावे। निश दिन वैया प्रत्य करैया सो निश्चय भवने रति रैया। जो अरहंत भक्ति मने आन सो जय विषय कषायन जाने। जो आचार ज भक्ति करे सो निर्मल आचार धरे। बहुश्रुतवंत भक्ति जो करई सो नर संपूर्ण सुत धरई। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञान
सत्यावश्य काले जो साधे सोई रत्नात्रय आराधे धर्म प्रभाव करी जी ज्ञानी तीन शिव मार्ग रीति पिछानी वत्सल अंग सदा जो द्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे यही सोलह भावना सहित धरे व्रत जोय देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यान शिव पद अर्घ चढ़ाइए। हाँ अच्छे बिना कही और कई लोग कई बच्चे बिना कही अच्छा नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते हुए भगवान के चरणों में आराधना कर रहे थे। आइए अब सब लोग अर्घ चढ़ाएंगे, दोनों हाथ में लीजिए, दोनों हाथ से चढ़ाना चाहिए, एक हाथ से नहीं, चाह दोनों हाथ से लीजिए बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों हाथ में लीजिए ऐसे ऐसे। हाँ ओम रीम दर्शन दादी शिवकारणी भी जय माला पूर्णार्घम निरपामित स्वाहा। बहुत बढ़िया, पुष्प लेना पुष्पांजलि के लिए। सुंदर षोडश कारण भावन निर्मल चित्त सुधारक धारे कर्म अनेक हनि अति दुर्धर जन्म जरा भय मृत्यु निवारे दुख दरिद्र विपत्ति अरे भव सागर को तर पार उतारे ज्ञान कहे यही षोडश कारण कर्म निवारण सिद्धि सुधारे इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपित। आदिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे और उसके पश्चात पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे। रविरत पार्श्वनाथ पूजा निकालिए। आदिनाथ भगवान का अर्घ सबको आता ही है, सब लोग एक साथ में बोलेंगे। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिका हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम रीम शाजना जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निरपामति स्वाहा। एक अर्घ शांतिनाथ भगवान के चरणों में भी चढ़ा देंगे। वसु द्रव्य संवारी तुम ढिग धारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांति जिनेशम नूतना केशम रश चक्रेशम चक्रेशम हनि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृतेशम अक्रेशम। ओम निशि शांति राम भगवान जलादि अर्घम निरपामते स्वाहा। अब रविरत पार्श्वनाथ पूजा निकालिए सभी लोग और मेरे साथ में बोलिए आप लोग भी अपने अपने घर में, है ना, अपने घर में अपने परिवार के सब लोग आपके साथ में बैठे हैं और सब लोग मिल करके पूजा करेंगे, बोलेंगे सब लोग एक साथ में। यह भवि जन हितकार सुरवि व्रत जिन कही करहु भव्य जन लोक सुमन देके सही पूजो पार्श्व जिनेन्द्र त्रियोग लगाय के मिटे सकल संताप मिले निधि आय के मति सागर कथा ग्रंथ ने कही उनही ने यह पूजा कर आनंद लही ताते रवि व्रत सार सुभ विजन कीजिए सुख संपत्ति संतान अतुल निधि लीजिए। हाथ जोड़िए प्रणमो पार्श्व जिनेश को हाथ जोड़ शिरनाय प्रभव सुख के कारणे पूजा करु बनाए ईत पार्वत की दिना यही पूजन ठान तापल सुख संपत्ति लहे निश्चय लीजे मान। हाँ ध्वनि जैन मुंबई। देखो ऐसे लॉन्ग नहीं लिया जाता बेटा, अभी मैंने क्या बताया था, आप लोग ऐसे अंजुली बनाइए, ऐसे अंजुली और अंजुली में पुष्प लीजिए। हाँ ऐसे ऐसे नहीं बनाना है ना, इस तरह से नहीं रखते। कई लोग कुछ भी कैसे भी करने लगते हैं लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। विधि ये है कि अंजुली में पुष्प लेना, लौंग ले लीजिए, पीले चावल लीजिए, है ना, सब बच्चे अच्छे से देख लिए, ये अंजुली बनाई और अंजुली से इस तरह से चढ़ाना है ना एक साथ। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आह्वानन मुद्रा। अगर आपको पूछा जाए कि आह्वानन मुद्रा कौन सी है तो बोले इस तरह से ये आह्वानन मुद्रा है ना। स्थापन मुद्रा कौन सी है तो ये स्थापना मुद्रा है। सन्निधिकरण मुद्रा कौन सी है तो ये सन्निधिकरण मुद्रा है। क्या बोलेंगे इसको, आह्वानन स्थापन और सन्निधिकरण, है ना, ये तीन मुद्राएं अलग अलग हैं और तीन मुद्रा से भगवान की आह्वान सन्निकरण की विधि की जाती है। अब सबसे पहले लीजिए लौंग, आपके पास एक लौंग हो एक लीजिए, पांच हो पांच लीजिए, तीन हो तीन लीजिए और अगर भर के है मुट्ठी भर के तो भर के पूरा ऐसा ही भर लीजिए पूरी अंजुली और भर के चढ़ाइए। और अगर मोगरा के फूल है तो एक साथ अंजुली भर करके मोगरे के फूल ले लीजिए और इस तरह से चढ़ा दीजिए, है ना, तो पुष्प लीजिए।
ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवो शटयाभाननम जय हो करा दो। हाँ अब दूसरा ले इस तरह कीजिए, ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। अब ये मुद्रा बनाइए, ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधि करणन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया सीख गए। अब जो है आपको चल लेना है, लेकिन बाद में लेंगे दो लाइन, पहले ताली बजाते हुए बोलेंगे और उसके बाद में जब मंत्र बोलेंगे उस समय जल लेकर के जलधारा करनी, अभी नहीं लेना है। ध्वनि तुम्हारे भाई को बोलो नीचे रखेगा कलश अभी, हाँ अभी ताली बजाना है। और चम्मच हटा दो, चम्मच की जरूरत नहीं है, है ना, चम्मच से नहीं चढ़ाना है अपने, क्या करना है अपने को किससे चढ़ाना है, हाँ कलश से चढ़ाना, तो कलश अभी रख दो नीचे, नीचे रख दो कलश और ताली बजाओ दो हाथों से। उज्ज्वल जल भर कर अति लायो रतन कटोरन माही, घार देते अति हर्ष बढ़ावत जन्म जरा मिट जाही, पारस नाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दीन भाई, सुख संपत्ति बहु हो यतुरत ही आनंद मंगल दाई। अब लीजिए कलश, है ना, और तीन धारा करना है। ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा। अब चंदन लेना है अंगुली में इस तरह से, लेकिन बाद में लेना है, पहले ताली बजाना है। चार लाइन बोलेंगे सब लोग। मलयागिरि के शर अति सुंदर कुमकुम रंग बनाई, धार देत जिन चरणन आगे भव आतापन साई, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो यतुरत ही आनंद मंगल दाई। अभी अंगुली में लीजिए और भगवान के चरण में, भगवान सामने हैं तो चरण में चढ़ाइए और नहीं हो तो थाली में चढ़ा दो। ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय संसार ताविनाशनाय चंद्रम निरपामिते स्वाहा। थाली बजाएंगे। मोती सम अति उज्ज्वल तंदुल लावो नीर पखारो, अक्षय पद के हेतु भावसो श्री जिनवर डिगदारो, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो यतुरत ही आनंद मंगल दाई। हाँ ऐसे मुट्ठी बनाइए, इस तरह की, इसमें चावल ले लीजिए अच्छे से, ऐसे चढ़ाना है, ठीक है, कुंज एक साथ में चढ़ाना है। ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरपामिति स्वाहा। अब चार लाइन मध्य समय क्लिपिंग। बेला अरुमच कुंद चमेली पारिजात के ल्यावो, चुन चुन श्री जिन अग्र चढ़ावो मन वांछित फल पावो, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो यतुरत ही आनंद मंगल दाई। फ्लावर्स चढ़ाएंगे, किस किस के पास में फ्लावर्स हैं अच्छे अच्छे बताओ जरा, कौन कौन लाए हैं, कौन कौन लाए हैं, हाँ खुशी और अश्मी शाह इसके पास है, और किसके पास है, दिखाओ कौन कौन से फ्लावर हैं, गुलाब के, कमल के, मोगरा के, है ना, फूल किस किस के पास हैं, हाँ लीजिए, अच्छा दोनों हाथ में लीजिए ऐसे पुष्पांजलि इस तरह से लीजिए। ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। अभी आजकल लॉकडाउन की वजह से फूल नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मंदिर में जाओ रोज अच्छे अच्छे फूल लेकर के जाना और रोज भगवान को अच्छे अच्छे फूल चढ़ाना चाहिए, और अपने मंदिर में ग्रह चैतालय में भी सुंदर सुंदर फूल रोज चढ़ाना चाहिए। अब नैवेद्य के लिए आप लोगों ने घर में क्या क्या बनाया है, हैं मम्मी को बोलो रोज नैवेद्य बना के देवे, लड्डू, पेड़ा, गुड़ बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, है एक, और भगवान को रोज चढ़ाना चाहिए उससे, हाँ हाँ थाली में हाथ में बता रही है, देख डिश में लो बेटा, हाँ डिश में लेना, जो भी नैवेद्य हो आपके पास में डिश में लेना। और नैवेद्य चढ़ाने से क्या होता है, देखो हमारी सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती है, मनोकामनाएं रहती है, है ना, जैसे जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनकी इच्छा होती है शादी करने की, कि शादी जल्दी हो जावे, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी इच्छा रहती है मैं पढ़ाई में जल्दी पास हो जाऊं, है ना,
और मुझे सब लोग अच्छे से प्रेम से बोलें, है ना, मेरा मन सब जगह पढ़ाई में लगा रहे। और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनकी कुछ और बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती हैं, धन कमाने की इच्छा रहती है, तो अनेक प्रकार की इच्छा अपने जीवन में रहती है, वो सारी मनोकामनाएं भगवान को नैवेद्य चढ़ाने से पूरी होती है। इसलिए अच्छे से सब लोग नैवेद्य चढ़ाएंगे। मावर फेनी गुजिया दिक ग्रत में लेत पकाई, कंचन थारी मनोहर भर की चरणन देत चढ़ाई, पारसनाथ दिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही आनंद मंगल दाई। बहुत अच्छा, सबसे अच्छी थाली बजा रहे हैं सब लोग। अब नैवेद्य थाली में लेकर के चढ़ाइए, डिश में लेकर के अच्छे से। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ इंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिते स्वाहा। आरती लीजिए सब लोग। मणिमय दीप रतनमय लेकर जगमग ज्योति जगाई, प्रभु के आगे आरती करके मोहति मिरन सजाई, पारसनाथ दिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही आनंद मंगल दाई। ओम नी पार्श्वनाथ इंद्राय महांधकार विनाशनाय दीपम निरपाम चे स्वाहा। चूरण करमल यागिरी चंदन धूप दशांग बनाई, तट पावक में खेय भाव सो कर्म नाश हो जाए, पारसनाथ दिनेश्वर पूजो भाई, सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही आनंद मंगल दाई। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ इंद्राय अष्टकर्म धनाय, इस तरह से लेना है, दोनों धूप लीजिए ऐसे और अग्नि में खाइए। अष्टकर्म धनाय धूपम निरुपामिते स्वाहा। श्रीफल आदि बदाम सुपारी भांति भांति के ल्याओ, श्री जी ने चरण चढ़ाय हर्ष करिता ते शिव फल पाओ, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही आनंद मंगल दाई। यहाँ कौन कौन से फल बताए मालूम है? श्रीफल, श्रीफल का मतलब मालूम है आपको? जो पानी वाला नारियल होता है बढ़िया सा, है ना, जिसमें पानी निकल जाए, आप लोग पानी पीते हैं ना, वो श्रीफल। और बादाम, बादाम जो है ना, ये बादाम नहीं, इसकी ये बादाम नहीं बताए, यहाँ पर कौन सी बादाम बताइए? इसके ऊपर ग्रीन बादाम आपको मार्केट में मिलती है, कब, हमेशा नहीं मिलती, 12 महीना, लेकिन जब जब भी मिलती है वो ग्रीन वाली, उसके ऊपर छिलका रहता है और उसको खाने में तोड़ करके खाई जाती है, बहुत अच्छी रहती है। और सुपारी जो आप कभी गए होंगे श्रवण बेलगोल मस्तकाभिषेक के समय, तो वहाँ सुपारी के, हरी सुपारी के गुच्छे वहाँ पर सब जगह दरवाजे आदि पे लगाए जाते हैं, तो हरी सुपारी जो है गुच्छे के गुच्छे में भगवान के चरणों में चढ़ाता हूँ। इसी प्रकार से भांति भांति के, मतलब अनेक प्रकार के, कौन सा है, केला, अंगूर, है ना, मौसम्बी, संतरा, नारियल और पाइनएप्पल आदि, अनार, आम आदि, अंदर अलग अलग फल जो है भगवान को चढ़ाने चाहिए, उससे क्या मिलता है। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर, रोशनी जैन औरंगाबाद, बहुत बढ़िया, आज बहुत बहुत सुंदर। देखो और किस, कौन कौन लाए फल, नव फल का आपके टीचर ने बताया था ना कि रविवार के दिन जिनको रवि व्रत होता है उनको नव फल चढ़ाने चाहिए भगवान के चरणों में, है ना, तो कौन कौन लाया दिखा दो, रोशनी का देख लिया हमने, और किसके पास है? हाँ, एक कौन है, रोशनी का, रोशनी का, और इनके के पास है, हाँ ये अश्मी और दिव्या, हाँ और कौन लाया है, अनुश्री, अनुश्री के पास में बहुत बढ़िया अनार है, बहुत बढ़िया, और किसके पास है, सिद्धिका, कल से अच्छे फल लेके आना बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और कौन लाया है, चलो जो जो भी लाए बहुत अच्छा, और भी अभी एक रविवार और बाकी है, तो सब लोग अगले रविवार को, हाँ, फल चढ़ाएंगे सब लोग अच्छे से। चलिए, फल चढ़ाने से क्या मिलता है, फल का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, तो हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो खाली पढ़ने के रिजल्ट नहीं, और भी जीवन में जो भी काम करते हैं उसके हमारे फेवरेबल रिजल्ट मिलते हैं, हमको जैसा परिणाम चाहिए जैसी है वैसे फल मिल जाते हैं। और अपना सबसे बड़ा इच्छा क्या है, सबसे बड़ा फल कौन सा चाहिए, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं,
तो उस पूजा का फल हमें क्या मिले, तो हमें चारों गतियों से दुर्गति से हम छूट जावे और मोक्ष रूपी फल मिले। क्या मिले? मोक्ष फल। अपन क्या बोलते हैं, मंत्र क्या बोल रहे हैं, ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त, ये बोलते हैं ना, तो मोक्ष रूपी फल की मुझे प्राप्ति होवे। इसलिए अच्छे अच्छे फल भगवान को, जितने अच्छे फल चढ़ाएंगे उतना जल्दी हमें मोक्ष का साधन मिलेगा, है ना, मोक्ष जाने के लिए। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरपामिति स्वाहा। अर्घ लीजिए। जल गंधाधिक अष्ट द्रव्य ले अर्घ बनाओ भाई, नाचो गावो हर्ष भाव सो कंचन थारे बराई। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु हो तुरत ही आनंद मंगल दाई। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरपामिति स्वाहा। अभी 9 बार जाप करेंगे, सब लोग लौंग लेकर के 9 बार जाप करिए। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। पूरा मंत्र बोलिए आप लोग और स्वाहा बोलते जाइए। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। 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 अब जयमाला सब लोगों को खड़े होकर के करना है। इसके पहले एक बार आप सब लोग सुन लीजिए सूचना कि अभी 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं 23 तारीख से। तो अपन 10 लक्षण पर्व पे अपन सभी लोग सामूहिक पूजा करेंगे। अभी तो आपको एक ही दिन मौका मिला, लेकिन रविवार के दिन ही, लेकिन 10 लक्षण के दिनों में सबको, सब बच्चों को सुबह जल्दी उठना है ना, और 6:30 बजे अभिषेक के लिए तैयार होकर के आ जाना है। सब लोग धोती दुपट्टा पहन करके, साड़ी पहन करके, अच्छे से सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर आभूषण पहन के भगवान की पूजा, अपने घर चैताले को अच्छे से सजा लीजिए पर्यटन पर्व के पहले, और सजा करके सब लोग अपने अपने चैताले में भगवान का अभिषेक करेंगे और पूजा करेंगे, और अपन सब मिल करके सामूहिक पूजा करेंगे 10 दिन तक, है ना। और शाम को रोज अपन सभी सामायिक भी करेंगे, 6:15 बजे से 7:15 बजे तक शाम को सामायिक भी करेंगे। तो आपको सूचना बाद में दे देंगे, लिंक भेज देंगे, और सबको, सब बच्चों को 10 दिन तैयारी हो जाना है कि सब लोग 10 दिन परिश्रम पर अच्छे से अपन घर में बैठ करके मनाएंगे। तो आए अपन पूजा करेंगे, अभिषेक जयमाला करेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के सबको जयमाला बोलना है। मन वचन काय त्रिशुद्ध करके पार्श्वनाथ सुपूजिए, जल आदि अर्घ बनाय भविजन भक्तिवंत सुहूजिए। प्रभु पूज्य पार्श्वनाथ जिनव सकल सुख दाता रे जी, जे करते हैं नर नारी पूजा लहत सोखे अपार जी। करके चढ़ा दीजिए, फिर जयमाला बोलेंगे। ओम नीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्घम निरपामिते स्वाहा। यह जग में विख्याते पार्श्वनाथ महान, जिन गुण की जय मालिका भाषा करूं बखान। चलिए, जय जय प्रणमो श्री पार्श्वदेव, इंद्रादिक तीन की करत से, जय जय सुबनारस जन्मली, इहु लोक विषयो द्योत की, जय दिन के पितु से आश्वसेन, इनके घर वै सुख चैन हैं। जय वामा देवी मात जान, इनके उपजे पारस महान, जय तीन लोक आनंद देन, रवि जन के दाता भये। जय जिनने प्रभु का शरण ली, इनकी सहाय प्रभु जे सकी, जय नाग नागिनी भय अधीन, प्रभु चरणन लाग रहे प्रवीण, तज देह देव गति गए जाय, धरणेन्द्र पद्मावती पद लहाय, जय अंजन चोर अधम अजान, चोरी तज प्रभु को धर्यो ध्यान, जय मृत्यु भय सह सर्ग जाय, उनने सुपान, जय मति सागर इक सेक जान, इन अशुभ कर्म आयो महान, इनके सुत ते परदेश मान, उनसे मिलने की आशना, जय रवि व्रत पूजन करे से,
कापल कर सबसे भई भे जिन जिन ने प्रभु का शरण ली दिन रिद्धि सिद्धि पाई नवी यह रवि व्रत पूजा करही जे अनंतानंत धरणेन्द्र पद्मावती हुए सहाय प्रभु भक्त जान कति काल आय पूजा विधान यह विधि रचाय मन वचन काय तीनों लगाय जो भक्ति भाव जय माल गाय तो ही सुख संपत्ति अतुल पाय बाजत मृदंग वीणादि सार गावती नाचति नाना प्रकार तन नन 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 ताल देत सन नन 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 सुर भर सुले ता तै 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 पग धरत जाय चम 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 घुंघरू बजाय जे करई निरत ई भांति भांत हे लहि सोच शिवपुर सुजात रवि व्रत पूजा पार्षिकी करे भव्य जन नो सुख संपत्ति भवलै आगे सुर पद होए आप सब लोग करके चढ़ाएंगे भगवान को ओम रीम श्री पार्षना जिनेन्द्राय जय माला सहित पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा पुष्पांजलि क्षेपण कीजिए रविरत पार्षद जिनेन्द्र पूज्य पवि मन धरे भव के आताप सकल चिन्ह मेटरे हो ये सुरेन्द्र नरेन्द्र आदि पदवी लहे सुख संपत्ति संतान अटल लक्ष्मी लहे फेर सर्व विधि पाय भक्ति प्रभु अनुसरे नाना विधि सुख भोग बहु ऋषिवती और इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत महावीर भगवान को एक अर्घ चढ़ाएंगे शासन नायक अभी वर्तमान के शासन नायक भगवान कौन से है महावीर भगवान है ना वर्तमान में किसका शासन चल रहा है महावीर भगवान का ऐसे महावीर भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे जल फल वसु सजी मथार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो ओम रीम श्री वर्तमान शासन नायक महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा एक बाहुबली भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे हे योग चक्रपति बाहुबली तुम पद की पूजा करते हैं तुम समय ही शक्ति मिले हमको यह अभिलाषा रखते हैं ओम नमः शिवाय बाहुबली भगवान जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निरपामिते स्वाहा देव श्री हरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उवजाय पूजो साधु पूजो भावसो हरिहंत भाषित वेन पूजो बादशांग रची गणी इति सब आशाहनि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा जजु भावना षोडश रत्न त्रैजा बिना शिव नहि गदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय नजु वनमीरु नंदेश्वर जिनालय कचर सुर पूजित भजु कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा चौबीस श्री जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेह के नामावली कसस्तुजति शिव के जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप दूप फल्लाय सर्व पूज्य पद पूजहु विधि भक्ति बढ़ाए ओम रीम भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरी भ्यो नमः प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगी भ्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय पहाड़ के विषय गुफा के विषय नगर नगर विषय उर्दुलोक मध्य लोक पाताल विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबे भ्यो नमः विदेह क्षेत्र विद्यमान विस्तर संग्रह भ्यो नमः पांच भरत पांच ऐरावत दस कृत संबंधी तीस चौबीस के सात सौ बीस जिनेन्द्राज भ्यो नमः नंदीश्वर दीप संबंधी बावन जिनालय भ्यो नमः समीचकर कैलाश चंपा पुरपावापुर गिरनार सोनागिरी मथुरादि सिद्ध क्षेत्र जैन बद्री मूलबद्री गिरिवरी चंदेरी पपूरा हस्तिनापुर अयोध्या जगरी तारंग चमत्कार जी महावीर जी पदपुरी तिजार आदि अतिशय क्षेत्र श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परमर्षि भ्यो नमः
ओम नीम श्रीमंत भगवंत कृपाल संतृष्वादी महावीर पर्यंत चतुर्थ शंकर परम देवानाम आद्यानाम आद्य जमुदीपे प्रत्यारे खंडिमाला शांति मुनिगरि भूरि वलि नगरि मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी शुभ दिने रविवासरे मुनियारिकानाम श्रावक श्राविकानाम सकल कर्म अक्षार्थम अनर्घ पद प्राप्ते महार्घम निरपामिते स्वाहा। शांति पाठ बोलेंगे सभी लोग और पुष्प क्षेपण करते जाना इस तरह से शांति पाठ बोलते हुए। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणावृत संयम पात्रम अष्टशतार्जित लक्षण गात्रम नवमी जिनोत्तम अंबुज नेत्रम पंचम अभीप्सित चक्रधराणाम पूजितम इंद्र नरेन्द्र गणेश शांतिकरम गण शांतिमभीप्सु षोडश तीर्थकरम प्रणमामि दिव्यतरु सुरपुष्प सुरष्टि दुम्ध वीरासन योजन घोषो आतपवारण चामरयुगमेयस्य विभाति जमंडल तेज तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरम शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय यच्छतु शांतिमय मनपटति परमां च दिव्यर्चिता मुकुटकुंडलार रत्नि चक्रादिभिः सर्वनिस्तुतपाद पद्मा तीमीजिनां प्रवरमश्चिकत्वरीपास्तिर शंकरा सुकृति शांतिकरा भवन्तु। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य राज्ञः करोति शांतिं भगवञ्जनेन्द्र करोति शांतिं भगवञ्जनेन्द्र करोति शांतिं भगवञ्जनेन्द्र क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुवत् बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारि क्षणमपि जगतां मास्मबुज्जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रबोध सततं सर्वसुखप्रदायि प्रत्वसगाति कर्माणः कीवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगति शान्तिविषभाध्याजिनीश्वराः कुर्वन्तु जगति शान्तिविषभाध्याजिनीश्वराः कुर्वन्तु जगति शान्तिविषभाध्याजिनीश्वराः। सब लोग हाथ जोड़िए इस तरह से, हाथ जोड़िए सभी लोग। हाँ, और अपन ये सब पूजा की उसका फल अपने को क्या मिले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस पूजा के फल से मैं प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन कर सकूं, महाराज को आहार दान दूं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मैं अपने हृदय में धारण कर सकूं। तो ये सब बताया है, शास्त्राभ्यासु जिनपद अनुति संगति सर्वदार्ये सदवत्तानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्ताम् भवे यावदेति पवर्ग तव पादो मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण संप्राप्ति अक्षरप्रयत्नैनं मत्ताहीनं च मैभणीयं तं खमोनानदे मज्जवी दुःखकयमजदेन्दु दुःखको कम्मको बोइलाव सुवैगमनं समायवरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ये चीज ये याद कर लेना पीछे की लाइन, बोलिए आप लोग सब, मैं एक एक शब्द बुला रहा हूँ। दुख कहो, बोलिए दुख कहो, कम्मक कहो, बोही लाओ, सुगही गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। भगवान जब भी मंदिर में जाते हो, आप भगवान का दर्शन करते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, जो भी कर लिया उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मैंने आपकी पूजा की, उसके फलस्वरूप मुझे क्या हुए, मेरे दुखों का क्षय हो, दुख को मेरे कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ यानी बुद्धि की प्राप्ति हो, और मेरा मरण समाधि मरण पूर्वक हो, और भगवान आपके पास जो गुण रूपी संपत्ति है, आप में जितने भी गुण है ये सारे गुण मेरे अंदर प्रकट हो जावे, ऐसी भावना भाना चाहिए। तो रोज बोलना चाहिए चीज है, एक बार फिर से बोल लीजिए सब लोग हाथ जोड़ करके, दुख कहो कमक कहो बोही लाओ सुगही गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। आज रात को प्रश्न पूछा जाएगा कि ये अंतिम प्रार्थना भगवान के सामने मंदिर में बैठ करके क्या करनी चाहिए, क्या है? तो याद कर लीजिए अच्छे से, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए शाम को, मेरे को मालूम नहीं बात की आपकी टीचर पूछेगी सब प्रश्न, आपको ये प्रश्न भी पूछ सकती है, तो आपको याद करना चाहिए। सब बच्चे याद कर लीजिए अच्छे से, दुख कहो कम्मक कहो बोही लाओ सुगही गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, है ना। अब आपको नव नमकार मंत्र का जाप करना है। अथा देव वंदनाय पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तोत्रम श्री चित्त भक्ति सिद्ध भक्ति पंच गुरु भक्ति शांति भक्ति संपूर्णम कायोत्सर्गम करोमि हम। ऐसे कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठ जाइए सभी लोग, ऐसे दोनों हाथ पे हाथ रख करके जैसे भगवान बैठते हैं मंदिर में, ऐसे ये हाथ इस तरह से जैसे भगवान बैठे ना इस तरह से बैठ के नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करना है। हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र बोले हैं, उससे उतनी देर तक सबको हिलना डुलना नहीं था, बहुत बच्चे हिल डुल रहे थे, बिल्कुल भगवान हिलते हैं कि आप
भगवान के मंदिर में देखो भगवान कैसे बैठे हुए हैं, हाथ के एक हाथ के ऊपर हाथ रख करके हुए हैं, ऐसे को बोलते हैं कायत सर्ग मुद्रा, है ना। ये कायत सर्ग मुद्रा है, ऐसे सीधे बैठना और दोनों एक हाथ पे दूसरा हाथ रख करके नमकार मंत्र का नौ बार जाप करना। चलिए अब विसर्जन करेंगे, फिर से अंजुली में पुष्प ले लीजिए, अब लास्ट पुष्प विसर्जन, हाँ, क्योंकि पूजा के आठ अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पूजा के? आठ। ये भी याद कर लीजिए कौन कौन से। अभिषेक सबसे पहला अंग कौन सा है? अभिषेक। उसके बाद आह्वानन, उसके बाद स्थापन, उसके बाद सन्निधिकरण, फिर अष्टद्रव्य से अर्चना, शांति पाठ, आरती और विसर्जन। ठीक है, तो विसर्जन करेंगे और उसके बाद में अपन आरती करेंगे। ज्ञान तो वापी शास्त्रोक्तम न कृतम मया तत्सर्वम पूर्णमेवास्तु तत्प्रसाद अजिनीश्वर आह्वाननम नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमसा परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम द्रव्यहीनम तथैव च तत्सर्वम क्षम्यताम देव रक्ष रक्ष अजिनीश्वर। चेतन हाथ जोड़ो बेटा, चेतन हाथ जोड़ो, हाँ हाथ जोड़ो ऐसे, हाँ हाथ हिलाना डुलाना नहीं है, सब लोग अच्छे से हाथ जोड़िए सभी लोग विसर्जन। हाँ आहुताये पुरा देवा लब्धभाग यथा क्रमं तेमिया भर्चिता भक्त्या सर्वे यान्तु यथास्थिति सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानां जयनं जयतु शासनं प्रमादात् ज्ञानदर्पाद्य विहितं विहितं नियत जिनेन्द्रास्तु प्रसादात् ते सकलं सकलं तत् ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुवन्ये च देवादिय स्वस्थाने गच्छत 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 जह जह जह। छोड़ दीजिए हाथ में जो पुष्पांजलि ली थी इसको छोड़ दीजिए और गवासन से बैठ करके आपको सबको भगवान की जो है वो क्या करना है, नमस्तु करना है ऐसे, हाँ, और नीचे अपना मस्तक बराबर झुकाना है, अच्छे से झुकाइए सभी लोग एकदम, अपनी जो नाक है ना, अपना सिर जो है वो नीचे जमीन को स्पर्श करना चाहिए, इस तरह से नमस्तु कीजिए और दोनों हाथ आगे कर दीजिए जोड़ते हुए। चेतन ने बहुत अच्छा किया है, और कौन कर रहा है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, झुको अच्छे से झुको, प्रणाम करो अच्छे से, झुक के प्रणाम करो सभी भगवान को। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः सृजकर्ता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभूतदिशोषणाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो आशिका थी ना जहाँ पर आपने स्थापना की थी उसको ले लीजिए, ऐसे ऐसे ले करके अपने मस्तक पर लगाइए। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भवो के पात के मिटे दुख दूर हो जाए। आप सब लोग आरती करेंगे, खड़े हो जाइए, अच्छे से आरती करेंगे सब लोग, अपना अपना दीपक लेकर खड़े हो जाइए और नृत्य करते हुए आरती करना है, कौन अच्छा करेगा बताओ, खड़े हो जाइए सब लोग भाजी। बस आरती लास्ट, अभी उसके बाद में दो मिनट में आज की पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में पर्युषण पर्व में अपन 23 तारीख से रोज 10 दिन तक लगातार भगवान की रोज सुबह पूजा करेंगे और शाम को सामायिक करेंगे। तो खड़े हो जाइए सब लोग, आरती करेंगे भाजी। छम 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 भाजी गुंगेरू मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख नीजे पहली आरती श्री राजा भव दी पार उतारे आजा दूसरी आरती से तन केरी सुमिरन कर तमी के भव पूरी तीसरी आरती सूर मुनींदा जन्म मरण दुख दूर करींदा चौथी आरती से उजाया दर्शन देखत पाप कलाया पाँचवी आरती साथ तुम्हारे कुमती विनाशन शिव अधिकारी छठी ग्यारह प्रतिमा धारी सावक बंदो आनंदकारी सातवी आरती श्री दीनवाणी जानत सरगम प्रति सुख गानी पूजा करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे जो यह आरती पड़े करावे सोनर नारे अमर पड़ी पावे इसलिए तो आरती करूं
अब पद्मावती माता की आरती करेंगे 2 मिनट के लिए। बलिहारिया पार्श्वनाथ महाराज विराजे मस्तक ऊपर थारे, माता मस्तक ऊपर थारे, इंद्र पणींद्र नरेंद्र सभी निज खड़े रहे द्वारे रे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, जो वीर पारो शरणो दीनो संकट सब हर लीनो, पुत्र पोत्र धन संपत्ति रे कर मंगलमय कर लीनो रे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, डाकिनी शाकिनी भूत भवानी, नाम लेख भग जावे, वात पीत कप रोग मिटे और तन सुखमय हो जावे रे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, दीप धूप और पुष्पहार ने मेरे दर्शन को आयो, माता मेरे दर्शन को आयो, दर्शन करके मात तुम्हारी मन वांछित फल पायो रे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर रक्षा तूने कीनी, माता रक्षा तूने कीनी, वेरी का अभिमान चूर्ण कर इज्जत दुगुनी दीनी रे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, चतुरेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया। दध्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह, मारार्दिकं तव विभूरवतारयामि, इति मंगलावतरणं मंगल उद्धारणं करोमि स्वाहा। श्री जिनवर की आरती, आरती ले लीजिए। श्री जिनवर की आरती नीजे शीश चढ़ाए, भव भव की पात कमिते दुख दूर हो जाए। सभी लोग जयकारा करेंगे। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, परम पूज्य गुरुवर आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय। और सब लोग आपस में एक दूसरे को जय जिनेन्द्र करेंगे। जितने लोग आए सब लोग बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जब कभी भी अपन एक दूसरे से मिले तो जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। और आप फोन करते हैं ना किसी को भी, तो क्या करना, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान की जय बोलना है ना, जय जिनेन्द्र बोलना, और उसके बाद में बात करना चाहिए। तो सभी को एक बार पुनः जय जिनेन्द्र। पूर्वी, पूर्वी टीचर कहाँ है? बच्चों ने अच्छे से पूजा की और आज सभी बच्चों को, आप सबको शाम को 8 बजे आज खड़े आना है। हमारे पंडित जी भी आएंगे, उसमें हम सबकी ये पूजा की स्पेशल क्विज रहेगी। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे सभी लोग को शाम को 8 बजे जेन्युइन वन पे जुड़ जाना है। और कुछ चेंजेस होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? आप सबको अपनी पूजा की जो PDF फाइल है वो सारे भगवान के अर्घ और हमने पंडित जी के पास से जो जो सीखा है वो सब कुछ याद रखना है, आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो चलिए सभी के लिए, अभी आप सब लोग अपने घर पे हो, एक आसन अच्छे से कीजिए, आपकी जो PDF फाइल वो सब कुछ अच्छे से याद रखिए, ठीक है? तो सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित जी आपको भी जय जिनेन्द्र। हाँ सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ जैनम वन पे होगा, जैनम वन पे होगा, जो पूछ रहे थे ना जैनम वन पे होगा। और कुछ चेंजेस होंगे तो हम बता देंगे। जैनम वन पे होगी हमारी क्विज, कुछ भी चेंजेस होगा तो अपने ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है? जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, विदाउट रोल नंबर आपको नहीं करने मिलेगी पार्ट लेने, इसलिए आपको सबको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है? चलिए जय जिनेन्द्र, चलिए एंड करते हैं।